IQ YouTube platform. आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तो जैसा कि आप सभी जानते हैं में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन कम्प्लीट किया था और आज मैं आपके लिए एक नया लेकर आई ओके तो आज की इस क्लास में भी हम सारे जो टाइप हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सिंगल इस वीडियो में कवर करेंगे तो आज के इस वीडियो को भी आप एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें ओके okay? तो बिना टाइम को वेस्ट के हम सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं ओके और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है कि आप कर ही ना पाए ओके तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो भी ये टॉपिक आपके लिए एक स्कोरिंग टॉपिक साबित हो सकता है ओके देखिएगा कैसे वीडियो में बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हो सकता है कि पहले आपसे कुछ चीजें नहीं बनती होंगी लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये एक टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिस्ट में शामिल हो जाएगा ओके चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ ओके देखिएगा कि इसमें जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनमें सबसे पहले आता है मीन दैट इज माते फाइंड आउट करना देन मीडियन जिसे हम कहेंगे हिंदी में माध्यिका फिर मॉड यानी कि बहुलक देन रेंज दैट इज हिंदी में ऐसे कहेंगे आ, परास नॉट पर इट्स परास ठीक या फिर डायरेक्टली रेंज अकेला भी ऐसे हिंदी में लिख के आ सकता है ओके okay? एंड फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज मानक विचलन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अगर हम आगे बढ़ें तो वेरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसे हिंदी में दो तीन नामों से जाना जाता है लाइक विचरण प्रसार और प्रसरण ये तीनों हिंदी में ये टर्म यूज होती है निकालना एक ही चीज है हमको ओके दैट इज वेरियंस ओके एंड उसके बाद वेरियंस मल्टीप्लायर दैट इज विचरण गुणांक ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजों पे बात करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ठीक जितने भी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं टॉपिक्स वो सब हम आज के इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ पे देखें माध्य के बारे में ठीक तो माध्य एक्चुअली में है क्या तो जो हम एवरेज में पढ़ते हैं ठीक औसत जो हम निकालते हैं वही एक्चुअली में क्या है माध्य जिसे स्टैट्स में नाम दे दिया गया है मीन ओके तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मीन क्या है इसके मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ पे निकालते एवरेज है लेकिन अब जो क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेंड ऑफ एग्जाम अब क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाते कि ये गिवन डेटा है या दिए गए आंकड़े हैं इनका आप माध्य निकालिए या मीन निकालिए डायरेक्ट अब नहीं पूछ रहा है तो क्वेश्चन में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उनके बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओके? सिमिलरली आगे के सेक्शन भी हम अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पे कवर करेंगे ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले अगर आपसे माध्य के बारे में मैं बात करूँ तो माध्य मीन और इसे ही हम एवरेज औसत या समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो इसको निकालने का या इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा बेसिक एक फॉर्मूला है जिसे जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ठीक है दैट इज मीन इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या दैट इज जितने भी आंकड़े या जो भी डेटा आपको पेपर में दिया हुआ होगा ठीक है उन सब का टोटल न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ आइटम्स या फिर ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो क्या आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में ठीक और उसको जस्ट आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है ठीक है तो इस तरीके से आपको मीन निकालना रहेगा ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है ठीक कि लास्ट में एंड ऑफ द रिजल्ट हम ये करते हैं बट अब क्या हो रहा है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है एक आध दो कंडीशन एक्स्ट्रा लगा दी जाती हैं अल्टीमेटली करना करते हम लास्ट में यही है ठीक है बट देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है क्वेश्चन कि इफ ईच ऑफ द ऑफ ये आंकड़े आपको दिए गए हैं यानी कि डेटा ये न्यूमेरिक डेटा आपको गिवन है फोर्टीन ट्वेंटी टू सिक्सटीन एंड ऑल ठीक है और क्वेश्चन इज कि और टेन भी है इसमें ठीक है टेन इज इन टेन है यहाँ पे ठीक ट्वेल्व और टेन दिस डेटा इज इंक्रीज बाई टेन अगर ये डेटा जो है वो टेन से इंक्रीज किया जाता है तो आपको बताना है वॉट विल बी देर न्यू मीन मतलब उनका नया माध्यम क्या होगा अगर हम इसमें आंकड़ों में क्या कर दें दस बढ़ा दें तो ठीक है तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये आपको प्रेक्षण दैट इज ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में गिवेन है इतने ठीक है तो इनमें से प्रत्येक में दस की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य क्या होगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए करना क्या है सबसे पहले आप इनका टेक्निकली माध्य निकालिए जिसे हम मीन कहते हैं मीन कैलकुलेट करने के बाद जो आए आप उसी में दस का इंक्रीमेंट कर देना ठीक रादर देन सब में दस का इंक्रीमेंट करो तो इसको ये ना करके आप क्या करोगे डायरेक्ट जो उनका एवरेज निकलेगा यानी कि जो मीन कैलकुलेट होगा उसमें आप टेन का इंक्रीमेंट कर दोगे ठीक सी तो आपको क्या करना है सबसे पहले जितने भी इसमें आंकड़े दिए गए हैं क्या क्या है भाई सबको जोड़ लो फोर्टीन ट्वेंटी टू सिक्सटीन ट्वेंटी फोर ट्वेल्व विजिबल नहीं होगा सारा यहाँ से कर लेते हैं ठीक है आपको मीन निकालना है तो आप सबको जोड़ लीजिए फोर्टीन प्लस ट्वेंटी टू प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व एट फिर एटीन देन ट्वेल्व ये सारे क्या है आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो ये टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो आप क्या कर दोगे मीन का फॉर्मूला लगा दोगे टेन से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे ठीक है इसके बाद क्या करना है जो आएगा उसमें आप लास्ट में टेन ऐड कर दोगे क्यों क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इनक्रीज बाई टेन अगर हम सबको टेन से वृद्धि कर दें तो तो आप सबको ऐड कर लीजिए देखिए कितना हो रहा है यहाँ पे है आ, एट और टू टेन ठीक और एट और टू टेन और सिक्स और फोर टेन ठीक तो टेन ट्वेंटी थर्टी तो यही हो गया ठीक इसके बाद देखिए ये हो गया कितना थर्टी फोर थर्टी सिक्स और ये फोर्टी और फोर्टी हाँ फोर्टी तो ये आ गया ज़ीरो कैरी आया फोर तो फोर और वन फाइव और टू सेवन सिक्स सॉरी सेवन एट और टू टेन इलेवन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है तो कितना आया वन फोर्टी डिवाइडेड बाई टेन तो थाई ठीक तो टेन ज़ीरो से ज़ीरो कट गया तो आपका मीन कितना आया फोर्टीन अब आपके ऑप्शन में फोर्टीन भी होगा और ट्वेंटी फोर भी होगा ठीक है तो आपको क्या करना है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे डायरेक्ट मीन निकाल के आ जाएंगे जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा क्वेश्चन ओके लास्ट में बोल रहे हैं कि अगर दस की वृद्धि कर दी जाए तो न्यू एवरेज या न्यू मीन क्या होगा तो तब के केस में ये हमारा प्रीवियस मीन है जब दस का इंक्रीमेंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई ट्वेंटी फोर मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी फोर ये होगा आपका न्यू मीन ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से डील करना है ठीक इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन यानी कि ये प्रेक्षण व प्रेक्षण शब्द लिख के या ऑब्जर्वेशन शब्द लिख के जो हमने एवरेज वाला चैप्टर किया था अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी एक बार देख लीजिएगा अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो जितना भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने वहाँ एक सेपरेट वीडियो में कवर कराया है तो वो कॉन्सेप्ट भी जो स्टार्ट्स में मतलब इन दिस चैप्टर कई सारी चीज़ें वहाँ से उठ के भी डायरेक्ट यहाँ पर पूछी जाती हैं मतलब जो क्वेश्चन का हेयर फेर है ना उसके बारे में बात कर रही हूँ ठीक बाकी जो प्रोसेस है वो तो सेम रहेगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ द मीन ऑफ नंबर्स थर्टी थ्री एक्स फोर्टी सेवन एटी थ्री एंड वन जीरो नाइन इज अ सिक्सटी सेवन ठीक है तो वॉट इज द मीन ऑफ दीज नंबर्स अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन में मीन तो निकालना है लेकिन किस तरीके से वो आपसे फ्रेमिंग करके पूछ रहा है तो आपको इस चीज को दिमाग में बिठाना है कि एकदम मीन को बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि मीन ही तो निकालना है और इजी इजी हम करके चले गए नहीं आपको फ्रेमिंग ध्यान रख के चलनी है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन अः करके आपसे पूछ सकता है ठीक तो देखो क्या क्वेश्चन है कि यदि संख्याओं इतने का माध्य सिक्सटी है मतलब इनका माध्य यानी कि मीन डायरेक्टली गिवन है ओके okay. किन का इनका तो अगर आप देखें तो 33 थ्री प्लस एक्स प्लस फोर्टी प्लस एट्टी प्लस वन ये कितनी टर्म है वन टू थ्री फोर फाइव तो डिवाइडेड बाय फाइव ये होता है टेक्निकली मीन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 67 ठीक है तो आप क्या करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो जैसे ही आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो फिर इन संख्याओं का माध्य क्या होगा या फिर इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले एक्स फाइंड आउट कर लेंगे और उस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे इस वाले एक्स में ठीक और जैसे आप मीन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे मतलब आपने यहाँ पे देखा कि एक ही क्वेश्चन में हमने दो कंडीशन दी गई हैं एक बार मीन गिवन है एक बार मीन आपको निकालना है और एक वेरिएबल दे दिया गया है डायरेक्टली डेटा नहीं गिवन है ओके तो आप क्या करो इसको सॉल्व कर लीजिए फाइव यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में सिक्सटी सेवन के साथ ठीक तो कितना हो जाएगा सॉल्व कर लो इसको पहले ऊपर के ऊपर ऐड कर लो तो कितना हो गया Uh, यहाँ से जोड़ते हैं हम इसको अलग कलर से सेवन और थ्री हो गया टेन ठीक टेन और नाइन हो गया नाइनटीन और थ्री कितना हो गया ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू का हो गया टू कैरी आया टू तो यहाँ पे टू और एट और टू टेन और फोर्टीन और थ्री सेवेंटीन ये और एक और एक दो टू सेवेंटी टू प्लस एक्स इक्वल्स टू फाइव का यहाँ पे इंटू हो गया तो सेवन फाइव ज थर्टी फाइव और फाइव सिक्स थर्टी और थ्री हो गया थर्टी थ्री तो दिस विल बी टू सेवेंटी टू प्लस एक्स इक्वल्स टू थ्री थर्टी फाइव तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल थ्री थर्टी फाइव में से आप टू सेवेंटी टू घटा दीजिए थ्री थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू सेवेंटी टू ओके नाउ फाइव माइनस टू थ्री और ये कितना हो गया थर्टीन माइनस सेवन सिक्स और टू से टू कट गया मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 63 ठीक है अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 50, 64, 100, 126 और x का मीन आपको बताना है तो अब इस x की जगह आप 63 पुट कर दोगे और जैसे आप मीन कैलकुलेट करते हो वैसे ही मीन कैलकुलेट कर लोगे ठीक तो अब ये आपका होमवर्क है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका मीन निकल के कितना आएगा किसका मीन मैं संख्याएं आपके लिए बता दे रही हूँ कि आपको मीन निकालने के लिए सिंपल 50 प्लस सिक्सटी प्लस हंड्रेड प्लस वन और प्लस एक्स की जगह पे आप 63 पुट करोगे ठीक और डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे फाइव ठीक है तो जो आएगा वही इसका डायरेक्टली मीन निकल के आएगा <coughs> ओके तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है ठीक चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा अब देखो कुछ क्वेश्चन में डेटा आपका टेबुलर फॉर्म में भी देखने को मिलता है मतलब ये कि या तो वो डायरेक्ट सीधा सीधा दे देगा क्वेश्चन कि जो भी आंकड़े हैं या जो न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन है वो गिवन है और आपको मीन फाइंड आउट करना है एक से दो कंडीशन लगी हुई है इसके अलावा वो टेबुलर फॉर्म में दे देगा यहाँ पे भी आपको मीन ही फाइंड आउट करना है मीन के लिए अरेथमेटिक मीन वर्ड भी यूज होता है ध्यान रखिएगा ठीक है और हिंदी में समांतर माध्य वर्ड भी यूज होता है करना वही है बट अगर आपका क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर डेटा तो आप क्या करोगे एक टर्म है आपकी x एक टर्म है आपकी f ठीक है तो इसका फॉर्मूला होता है एक सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ठीक इस तरीके से हम मीन कैलकुलेट करते हैं अगर हमको डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया गया है तो ओके तो आप क्या करोगे इस टेबल को सॉल्व करने के लिए एक और कॉलम बन जाएगा एक्स का ठीक यहाँ पे है एक्स ठीक ये है एफ़ जो कि गिवन है और ये हो जाएगा एफ़ एक्स एफ़ एक्स में क्या करेंगे हम एफ़ का और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो आप यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या गिवन है सिक्स टेन एटीन सिक्स टेन एटीन और ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स सिक्स टेन एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी सिक्स ये एक्स की वैल्यू है एफ की वैल्यू क्या है फोर थ्री फोर टू वन वन फोर थ्री फोर टू वन वन ये इतना डेटा तो आपको गिवन है ओके अब जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वजह से मैंने अलग से टेबल ड्रॉ की है आपको ये काम वहाँ पे नहीं करना है पेपर में ओके आपको क्या करना है डायरेक्टली 6 4 24 10 3 30 18 4 000, इस तरीके से आपको वही के वही मल्टीप्लाई करके सारा डाटा ऐड कर देना है ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 6 4 24 10 3 30 ये fx का मतलब क्या है दोनों का आपस में इनटू कर रहे हैं हम ओके और ये कितना हो गया 72 फिर ये हो गया फोर्टी एट थर्टी थर्टी वन ज थर्टी थर्टी सिक्स वन जर्टी सिक्स ये आ गया एफ एक्स का कॉलम निकल गया अब आप क्या करोगे फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ़ हिंदी में समेक्शन एफ एक्स अपॉन समेक्शन एफ़ भी कहते हैं ठीक तो अब आप देखो सिग्मा एफ एक्स की पूरी वैल्यू जोड़ लोगे मतलब ये वाली पूरी वैल्यू को आप ऐड कर लो देख लो कितना आ रहा है और उसको यहाँ लिख दो फिर आप सिग्मा एफ़ की ये पूरी वैल्यू जोड़ दो और उसको यहाँ लिख दो ठीक और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है <coughs> चलो ऐड करो जरा कितना हो गया चार और दो छ नहीं आठ हो दो दस और, और चार दस दस और दस बीस ये हो गया कैरी आया टू दो, दो दो चार और तीन सात और तीन दस ठीक दस और ये कितना हो गया और सात सत्रह और तीन आ, बीस और चार चौबीस ठीक है तो ये कितना हो गया चौबीस टू फोर्टी ठीक अब आप इसको जोड़ लो तो कितना हो गया चार और तीन सात और तीन दस और चार चौदह और एक पंद्रह ठीक है तो ये आ गया आपका पंद्रह ठीक है <coughs> एक बार और देख लो चार आठ और दो दस और छः सोलह और चार बीस दो दो चार और तीन सात दो दो चार, तीन, और, चार और, और तीन सात और चार ग्यारह और सात अठारह और तीन इक्कीस और चार चौबीस ठीक है सही है और ये चार तीन सात चार ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ओके तो ये क्या हो गया आपका मीन का फॉर्मूला ठीक अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा फाइव फोर जा ट्वेंटी बचा कितना फोर तो फाइव एट जा फोर्टी तो ये कितना आ गया मीन आपका फोर्टी एट तो यही हो जाएगा आपका आंसर इस तरीके से आपको करना है अगर आपका डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ टेबलर फॉर्म ठीक अगर आपका डेटा टेबल के फॉर्म में गिवन है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ठीक है इसमें ज़्यादा आपको घबराना नहीं है वही के वही इन टू कर करके दोनों टर्म को जोड़ लो ये वाली टर्म को अलग ऐड करके रख लो ठीक है और इन दोनों के इन टू वाली टर्म को ऐड करके रख लो ठीक है तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है ओके तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्टी एट क्लियर नाउ अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यूज हमको सीधी सीधी गिवन थी कोई भी डेटा मिसिंग नहीं था अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारा डेटा हमको गिवन था ओके बट यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू तो आपको गिवन है लेकिन जो एफ की वैल्यू है उसमें एक वैल्यू मिसिंग है <coughs> ठीक और क्वेश्चन इज कि इसी के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 15 और मीन आपको डायरेक्टली 15 गिवन है और आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखेगा हाँ अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है जो कि टेबुलर फॉर्म में गिवन है ओके तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करना है सिंपली आप एक कॉलम आपका रहेगा एक्स का एक कॉलम एफ का है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है मीन निकालने के लिए कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ मतलब ये जो एफ है इसकी पूरी वैल्यूज का टोटल करके आप नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में और एफ और एक्स का इंटू करके मीन्स इन दोनों कॉलम का इंटू करके सभी को आप ऐड कर दोगे ठीक है इस तरीके से आपको करना है इन दोनों का जिनको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ इनको आप मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड करके ऊपर लिख दोगे तो जब भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से टेबल के फॉर्म में आएगा तो आपको ये फॉर्मूले के बेसिस पे अरिथमेटिक मीन या फिर माध्य कैलकुलेट करना है ठीक है यहाँ पे समांतर माध्य का मतलब भी मीन निकालना ही है और मीन के लिए अरिथमेटिक मीन लिखा है तो भी बात वही है ठीक तो करोगे क्या आप सिंपली सबसे पहले आप सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी एफ और एक्स का इंटू करके ठीक तो सिक्स फोर जा हो गया कितना ट्वेंटी फोर प्लस टेन थ्री जा हो गया थर्टी ओके और एटीन जा कितना हो गया सेवेंटी टू प्लस ये हो गया फोर्टी एट प्लस थर्टी और प्लस थर्टी सिक्स ठीक इन सबको आप जोड़ लीजिए तो आपकी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी ये हो गया अलग अलग आप इसको ऐड करते जाइए तो कितना हो गया सिक्स और फोर ये सिक्स और ये फोर हो गया टेन और ये सेवन और ये थ्री हो गया टेन ट्वेंटी ओके हम्म रुको अलग अलग करो उसको ट्वेंटी फोर थर्टी सेवेंटी टू फोर्टी एट थर्टी और थर्टी सिक्स सबको आप ऐड कर लीजिए कितना हो गया आठ हो दो दस और छः और चार दस कैरी आया वन ठीक है तो ये कितना हो गया सात तो और तीन दस ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फोर ट्वेंटी और ट्वेंटी आ, अरे रे, रुको क्या हो रहा है आज वेट करना हाँ हाँ तो ये कितना था ट्वेंटी ना कैरी आया था टू आठ दो दस छः चार दस हाँ तो सात और तीन हो गया दस ठीक तीन और तीन छह दस दस और दस हो गया बीस और चार चौबीस टू फोर्टी ठीक है तो सिग्मा एफेक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी इन सबको जोड़ने पर इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा आपका टू फोर्टी ठीक तो स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रही हूं तो ये हो गया आपका टू फोर्टी नाउ सिगमा एफ की वैल्यू आप जोड़ लीजिए तो ये कितनी हो जाएगी <coughs> चार चार आठ दो दस ग्यारह बारह और तीन पंद्रह फिफ्टीन ठीक तो अब आप इन दोनों को जस्ट ऐड कर दीजिए आपको मीन डिवाइड कर दीजिए आपको मीन निकालना था कितना हो जाएगा फिफ्टीन वन जा और बच्चा नाइन तो फिफ्टीन सिक्स ठीक है तो आपका मीन कितना आ गया निकल के? सिक्सटीन ठीक तो जब भी आपका क्वेश्चन इस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ होगा और आपको अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य या माध्य निकालने को बोलेगा तो आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे ठीक है आपको वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त टेबल बनाने नहीं बैठना है ठीक है आपको डायरेक्ट ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये इस फॉर्मूले से सॉल्व होती है एफ और एफ ठीक तो वहीं के वहीं इसको कैलकुलेट करना है अपने एग्जाम में ठीक है अलग से टेबल बनाने मत बैठ जाना नहीं तो वहां पे आपका टाइम कंज्यूम होगा ठीक तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में सारा कुछ डेटा हमको न्यूमेरिकली गिवन था बट एक और क्वेश्चन लेकर हूँ आपके लिए जिसमें ये डेटा तो गिवन है बट यहाँ पे एक वेरिएबल है मतलब ये डेटा मिसिंग है ठीक है तो अब आप क्या करेंगे देखिएगा तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है तरीका तो वही अपनाना है कि सिग्मा एफ एक्स जो तरीका है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ मीन निकालने के लिए ठीक है बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें मीन ऑलरेडी गिवन है ठीक तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सिंपली आप क्या करेंगे जैसे आप सिग्मा एफेक्स की वैल्यू निकालते थे दोनों को मल्टीप्लाई करके वैसे ही आप निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6530 ठीक इन दोनों का आप मल्टी करेंगे 6530 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इनटू क विल बी 10 क प्लस दिस विल बी 1560 90 ओके okay? एंड 20 इनटू 10 200 प्लस ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी नाउ ये हो गया और नीचे सिग्मा एफ की वैल्यूज हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे ओके okay? तो अब पहले डिवाइड नहीं करते अलग से निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ ये कितना है तो ये हो गया आपका सिक्स और सिक्स हो गया ट्वेल्व 12 और 10 हो गया 22 22 और 5 कितना हो गया आपका 27 ठीक है लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल है k तो अब k तो डायरेक्ट न्यूमेरिकली ऐड होगा नहीं तो आप उसको अलग से लेके चलोगे 27 k के, के नाम से सॉरी k x लिख दिया k के, के नाम से ओके तो ये हो गया k ठीक अब इन दोनों को इन सबको जोड़ दो इसको तो जुड़ा ही जुड़ाया है और इक्वल कर दो 15 के जो कि मीन हमको ऑलरेडी गिवन है तो ये जो फॉर्मूला हमने बताया मीन तो यहाँ पे आप 15 डायरेक्ट पुट कर देंगे ठीक है अब आप इसको ऐड कर लीजिए कितना होगा 5 सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ कितना हो गया यहाँ पे फाइव और ये कितना हो गया टू और थ्री uh, फाइव और नौ पाँच चौदह कह रही आया वन वन और टू हो गया वन और वन टू और टू फोर <coughs> <coughs> ये हो गया पांच दो नौ दो ग्यारह बारह <coughs> <coughs> कुछ गलत हो गया क्या नाइन्टी और थर्टी वन ट्वेंटी और वन ट्वेंटी फाइव और के को ले लिया ना हमने यहाँ पे और टू हंड्रेड तो कितना आ गया फाइव टू और टू फोर और थ्री और फोर फोर फोर्टी फाइव ठीक है जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा फोर फोर्टी फाइव डन प्लस टेन के ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको <coughs> ओके okay. ठीक है अब डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन प्लस के और ये जो मेन है इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी फिफ्टीन तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली आप क्या करेंगे इस पूरे डेटा को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इस इक्वेशन के बराबर रख देंगे ठीक तो दिस विल बी फोर फोर्टी फाइव प्लस टेन के इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा कैरी आया टेन पंद्रह और 4, 30 और दस चालीस फोर जीरो आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे और फोर फोर्टी फाइव और फोर आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे तो 445 में से आप 405 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 4 और ये कट जाएगा 40 ठीक और ये कितना आएगा यहाँ पे 10 के चला गया तो यहाँ बचा 5 पाँच के ठीक तो 5 के इक्वल हो गया 40 के तो आप लास्टली यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम्म जगह नहीं है वेट <coughs> फाइव के इक्वल हो गया फोर्टी के तो k इक्वल्स टू हो गया कितना आठ के मतलब आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे k इक्वल्स टू एट हमें अल्टीमेटली k की ही वैल्यू निकालनी थी ठीक है क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन सेम फॉर्म में गिवन था जो इससे पहले हमने कराया लेकिन यहाँ पे एक हमें एक मिसिंग टर्म थी दैट इज के अब इसकी जगह कुछ और भी लिख के आ सकता है करने का तरीका वही रहेगा कि एफ और एक्स का आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको ऐड कर लोगे और ये जो एफ है इसको पूरे को ऐड कर लोगे ठीक है और मीन का फॉर्मूला लगा दोगे सिग्मा, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस तरीके से मीन की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली गिवन थी 15 तो इक्वल रख दिया हमने यहाँ पे 15 के ओके अब इक्वेशन जो बनेगी वो तो आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी हर कुछ ऐसा नहीं होगा कि अब आप यहाँ पे भी सोचो कि हम और इसको छोटा कैसे कर सकते हैं नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से डील किया जाता है ओके चलिए आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि अब सीधे सीधे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं बहुत रेयरली सीधा सीधा आएगा नहीं तो इस तरीके से आप पूछा जा रहा है जैसा यहाँ आप आ रही हूँ तो आप उसको ध्यान रख के चलिए कि कैसे हमको करना है ठीक है देखो क्या क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ एट स्मॉलेस्ट नंबर्स इन अ ग्रुप इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव ओके मतलब एक समूह की आठ सबसे छोटी संख्याओं का माध्य ट्वेल्व पॉइंट फाइव है फिर अगेन एक और कंडीशन लगा दी गई है कि वाइल द मीन ऑफ ऑल फोर्टीन नंबर्स इन द ग्रुप इज फोर्टीन ओके मतलब जबकि समूह की सभी 14 संख्याओं का माध्य फोर्टीन है ठीक है जान के इस टाइप के क्वेश्चन में ना नंबर सेम रखे जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो तो अब आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे तो फाइंड द मीन ऑफ सिक्स ग्रेटेस्ट नंबर्स मतलब छह सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य कितना होगा अब आपको मैं ये बता दूं कि इस टाइप के फ्रेमिंग वाले क्वेश्चन मैंने जब आपको एवरेज चैप्टर पढ़ाया था तो उस पर भी कवर किया था तो आप चाहें तो वहाँ पे भी मैंने लॉट ऑफ क्वेश्चन कराए वहाँ से भी देख सकते हैं अदरवाइज यहाँ तो सॉल्व करा ही रही हूँ देखिएगा कैसे करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ठीक इसको आप कैसे करेंगे कि आठ सबसे छोटी संख्याओं का माध्य इतना है मतलब आठ छोटी संख्याओं का एवरेज इतना दिया गया है तो आप उनका टोटल निकाल लेंगे ठीक है तो कैसे होगा भाई ये इन टू टाइव ये आठ सबसे छोटी संख्याओं का क्या आ गया योग आ गया कैसे आ रहा है तो मैं एक बार उसको साइड में बता देती हूँ क्योंकि जिन्होंने एवरेज वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो शायद उनको समझ में ना आए बट हम एवरेज में हमने बताया था एवरेज बराबर होता है यहाँ पे आ, संख्या डिवाइडेड बाय एन सॉरी योग बटे एन ठीक है योग डिवाइडेड बाय एन जिसमें एन क्या है आपकी संख्या है ओके okay. और इसी में से अगर हमको योग निकालना है तो योग हो जाता है एवरेज दैट इज औसत इन टू एन तो यही हम कर रहे हैं हमें आठ संख्याएं पता है मतलब एन की वैल्यू पता है आठ और माध्य दैट इज औसत हमको पता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव ओके तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव और आठ का इंटू करके हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं योग ठीक क्योंकि आपको सभी चौदह के चौदह संख्याओं का डेटा भी गिवेन है ठीक है तो अगर आप इन सभी चौदह संख्याओं के योग में से आठ छोटी संख्याओं को घटा देंगे तो चौदह में से आठ गया कितना बचा छः तो छः बड़ी संख्याएं आ जाएंगी ठीक है तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो तो कैसे करोगे आप ये हो जाएगा इसको आपने कैलकुलेट किया तो एट फाइव ज़ा फोर्टी एट टू ज़ा सिक्सटीन और फोर हो गया टेन और एट वन ज़ा एट और ये कितना हो गया नाइन ठीक है एट टू 16 और फोर हो गया ट्वेंटी और ट्वेंटी का आया कितना कैरी टू तो एट और टू कितना हो गया भाई टेन ठीक तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू एट इसका योग निकाल लोगे माइनस चौदह संख्याओं का माध्य चौदह है तो चौदह इंटू चौदह चौदह संख्याओं का योग हो जाएगा फोर्टीन इंटू फोर्टीन ठीक अब आप इसको यहाँ पे इंटू कर लो और इसको यहाँ पे इंटू कर लो हाँ अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि, हम यहाँ पे अंतर निकाल रहे हैं। कि उन संख्याओं का अंतर कितना है तो अंतर के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है ये नहीं देखना है कि नेगेटिव आ रहा है आपको अल्टीमेटली बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटाओगे ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपका ट्वेल्व पॉइंट फाइव का आप लास्ट में यहाँ पे इंटू कर लो तो हो गया एट फाइव ज़ा फोर्टी और एट टू ज़ा सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी एट वन ज़ा एट और टू टेन एक डे के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे एक डिजट के बाद डेसिमल आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हंड्रेड ओके और फोरटीन का हो जाएगा वन नाइन्टी सिक्स तो इन दोनों का जो अंतर यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना है नाइन्टी सिक्स अब ये क्या है बची हुई आठ बड़ी संख्याओं का डेटा बट हमसे यहाँ पे क्या बोला है कि उनका हमें माध्य बताना है तो आप क्या करेंगे लास्ट में इसमें डिवाइड कर देंगे तो संख्याएं कितनी है सिक्स तो आप किससे माध्य निकालने के लिए सिक्स से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा भाई सिक्स वन जा सिक्स और सिक्स सिक्स जिक्सटीन ठीक है सॉरी थर्टी सिक्स ओके तो ये कितना हो गया सिक्सटीन आपका राइट right आंसर हो जाएगा ओके okay. इस तरीके से आपको करना यहाँ पे हम बेसिकली डिफरेंस लेते हैं ठीक बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटा के आप अंतर ले रहे हो तो ये यह यहाँ पे उल्टा मत सोच लेना कि इसमें हमारा माइनस नाइनटी सिक्स आएगा तो माइनस सिक्सटीन होगा माइनस नहीं होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको माइनस साइन अवॉइड करना रहेगा तो आप टाइप और उसका वो देख लीजिए कि किस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन जब भी हमको ऐसा कुछ डेटा का गिवन हो कुछ डेटा मिसिंग हो बीच में जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मान लो दस है इस तरीके से तो बताइए बीच की पांच संख्याओं का माध्य क्या होगा तब भी आप इसका योग और इसका योग निकाल के दोनों को घटा के फिर बची संख्याओं से भाग दे दोगे मीन निकालने के लिए ठीक है तो इस तरीके से आपको करना है ओके आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी तक अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी हम मीन में ही हैं मतलब माध्य वाले कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं कि अभी तक उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक मैं हर वो टाइप यहाँ पर ट्राई करूंगी जिससे आपके नजर में वो चीज आ जाएगी हाँ अंडर स्टार्ट अगर मीन की बात होगी तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओके चलिए देखिएगा क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन इज की अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर मतलब संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य बारह है ठीक है संख्याओं के एक सेट का माध्य बारह है और संख्याओं के एक अन्य सेट का जो माध्य है वो कितना है फिफ्टीन है तो यदि दोनों सेट का संयुक्त माध्य ट्वेल्व पॉइंट फाइव है तो दोनों समूहों की आवृत्ति का रेशियो क्या होगा अगेन जब भी मीन एवरेज या अरिथमेटिक मीन की बात होगी तो ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं देखिएगा कैसे कि इम्पोर्टेंट भी है आप इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करके जाएं अपने प्रैक्टिस सेशन में ठीक है देखो दो सेट हैं भाई ओके तो दो सेट में एक का ट्वेल्व है एवरेज और एक का क्या है फिफ्टीन है ओके एंड दोनों का कंबाइंड डेटा कितना दिया गया है हमको ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो आप यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा के क्या कर सकते हैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो जो आया उसको यहाँ लिखो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो जो आया उसको यहाँ लिखो और ये बन गया बीच में रेशियो ठीक है तो इसमें क्या करना है हमेशा अगेन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप माइनस करेंगे ठीक है तो फिफ्टीन में से आप ट्वेल्व पॉइंट फाइव माइनस कीजिए अब फिफ्टीन पॉइंट में नहीं है तो पॉइंट बना के आप ज़ीरो लिख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना ये हो गया दस में से पाँच गया पाँच चार में से दो गया दो और ये एक से एक कट गया तो यहाँ पे आया टू पॉइंट फाइव ओके और यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट फाइव ठीक यहाँ पे बताती हूँ आपको मैं तो हमारा रेशियो कितना बचा बना टू पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव का तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए आप क्या लिख सकते हैं इसको ट्वेंटी फाइव बाई टेन रेशियो फाइव बाई टेन क्यों कर रहे हैं हम ऐसा डेसिमल हटाने के लिए अगर आपको डायरेक्ट बनता है तो आप डायरेक्टली पॉइंट फाइव से टू पॉइंट फाइव काट सकते हो ठीक नहीं बनता है तो उन वा उन लोगों के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रही हो कि जिनको पॉइंट्स वाले डेटा कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है तो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे ठीक टेन से टेन कट गया देन फाइव वन ज फाइव 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 जी फाइव तो यहाँ पे क्या हो गया फाइव इस टू वन मतलब ये जो दोनों समूहों की आवृत्ति का अनुपात है वो कितना हो गया आपका फाइव इज वन और पांच अनुपात एक ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ठीक इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं इंपॉर्टेंट है आप इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिएगा इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन मैंने एवरेज वाले चैप्टर में भी कवर किए हैं वहां पे भी आप देख सकते हैं क्योंकि मीन निकालना मीन निकालना मतलब एवरेज की ही बात है ठीक तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है नाउ अब आते हैं हम मीडियन पे ठीक अंडर स्टैट्स और क्या पूछा जाता है सेकंड जो कि पूछा जाने वाला टॉपिक है दैट इज मीडियन मीडियन जिसे हम हिंदी में कहते हैं माध्यिका ठीक है माध्यिका निकालने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी रहती है जो इसमें होती है आपके क्वेश्चन पेपर में तो वो जो टर्म है आप उनको काउंट करेंगे ऐड नहीं करना काउंट करना है काउंट करके आप चेक करेंगे कि जो वो नंबर है जो नंबर ऑफ टर्म है वो ऑड है या वो इवन है मतलब उनकी संख्या काउंट करने पे कोई विषम संख्या आ रही है या कोई संख्या आ रही है तो इवन दैट इज संख्या है और आपको उनका मीडियन निकालना है तो आप सिंपल इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे दैट इज एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टर्म मतलब एन प्लस वन बाई टू ठीक। इस तरीके से यहाँ पे एन टर्म जो है वो उस टर्म मतलब उस नंबर ऑफ डेटा की बात हो रही है अभी बताऊंगी क्वेश्चन में कैसे अगर आपको वो कैलकुलेट करने पर गिवन डेटा को जब आपने काउंट किया और वो आ रहा है कितना आपका सम संख्या में तो आप क्या करेंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे ध्यान रखना है ये तभी लगेगा जब इवन नंबर में काउंटिंग होगी अदरवाइज ऑड नंबर का बहुत सिंपल और छोटा सा फार्मूला है n 1 2th टर्म ठीक है लेकिन जब संख्या सम आ जाए तो आपको एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं वो लास्ट में टू नहीं लगाते हैं। यहां पे होल डिड बाई लगता है यहाँ भी टू लगा है यहाँ पे भी टू लगा है मतलब यही एक टू होगा जो इस फॉर्मूले में आता है अब जो अच्छे से नहीं पढ़ के जाएगा तो उसको ये वाला टू वो नहीं लगाएगा ठीक तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे के होल डिवाइडेड बाय ये वाला टू है ठीक और यहाँ पे ये सेपरेटली टू से डिवाइड हो रही है एन की वैल्यू ओके तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको सॉल्व करने में यूज करना है ठीक है अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको गिवन होगा कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका आप निकालिए यानी कि मीडियन आप फाइंड आउट कीजिए और अगर डायरेक्ट गिवन नहीं होगा तो कैसे वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पे देखने को मिलेगा आप यहाँ पे देखिएगा ओके चलिए क्वेश्चन इज किसी बल्लेबाज की पिछली दस पारियों का स्कोर किया गया है ठीक है और इन पारियों में बल्लेबाज का माध्य स्कोर आपको फाइंड आउट करना है ठीक क्वेश्चन है कि किसी बैट्समैन के स्कोर यहाँ पे दिए गए हैं लास्ट टेन इनिंग्स के तो आपको उनका मीडियन निकालना है ठीक है उन स्कोर का मीडियन फाइंड आउट करना तो आप कैसे करोगे सिंपल जो भी आपको डेटा गिवन है सबसे पहले आप उसकी काउंटिंग करोगे कि वो संख्या में कितना है ठीक है जैसे योग्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अगर हमने टोटल गिना तो ये कितना है तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है टेन है और अब आप देखिए कि 10 कैसा नंबर है इवन या ऑड तो आप कहेंगे इवन ठीक 10 एक इवन नंबर है दैट इज सम संख्या है और जब सम संख्या वाला केस हो और आपको माध्य का या फिर मीडियम निकालने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब आपकी संख्या क्या हो सम हो ठीक है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो तब आपको मीडियम निकालना है तो आप क्या करेंगे भाई एन बाई टूअथ टर्म मतलब आप टेन बाई वा पद लिख सकते हैं इसको ठीक पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा पूरा करा रही हूँ बाकी आगे के आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा नाउ n बाई टू प्लस वन मतलब टेन बाई टू प्लस वन व पद या वनथ टर्म इस तरीके से आप लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई टू ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना 2 और 10 को जब आप 10 को डिवाइड किया आपने 2 से तो कितना आएगा 5 तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ टर्म प्लस ये कितना हो जाएगा सिक्स्थ टर्म ओके होल डिवाइड ओहो होल डिवाइडेड बाय 2 ठीक तो फिफ्थ टर्म अब आप देख लीजिए अब इसमें एक और चीज जो, जो मिसिंग है वो ये कि पहले आपको डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है मतलब जो भी डेटा आपको दिया गया है आप उसको पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर दैट इज आरोही क्रम में तो देखिए आपको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप क्या करेंगे सबसे छोटा सबसे पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा ठीक ये अरेंज करके आप लिख लेंगे तो जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसा आएगा hmm. देखिएगा मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ओके सबसे छोटा कौन है भाई यहाँ पे एट ठीक है, eight, 65, 180, 81, six है six सबसे छोटा है एट सिक्सटी फाइव वन एट्टी एट्टी वन नहीं सिक्स है सिक्स सबसे छोटा है सिक्सटी थ्री ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी एट एट हाँ सिक्स सबसे छोटा है फिर उसके बाद है एट ठीक है तो सिक्स हो गया एट हो गया और क्या बचा फिर फिर बच्चा हमारा ट्वेंटी ठीक है फिर आएगा ट्वेंटी सेवेन एंड देन ट्वेंटी सेवन भी हो गया फिर आएगा हमारा फिफ्टी ठीक गया फ़िफ्टी फिफ्टी भी हो गया फिर उसके बाद आएगा सिक्सटी फाइव योग सिक्सटी फाइव फिर उसके बाद आएगा सिक्सटी थ्री बच्चा है पहले तो यहाँ पे आएगा सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री फिर सिक्सटी फाइव ठीक है सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव हो गया एंड देन एट्टी वन एट्टी वन हो गया फिर आएगा वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी टू अभी हम कुछ नहीं अरेंज बस कर रहे हैं सेंडिंग में ठीक है वन ट्वेंटी टू के बाद वन सिक्सटी फाइव एंड देन वन एट्टी ओके तो ये हो गया डेटा आपका अरेंज किस क्रम में आरोही क्रम में ओके असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले दिन उससे बड़ा दिन सबसे बड़ा सबसे इस तरीके से अब यहाँ पे ये यह जो हम यहाँ पे आके रुक रहे हैं कि फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म तो अब आप क्या करेंगे यहां से आप फिफ्थ टर्म पे जाएंगे ओके okay? तो वो फिफ्थ टर्म को आप यहाँ लिखेंगे क्या है वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ टर्म क्या है आपकी सिक्सटी थ्री ठीक है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सिक्सटी थ्री फिफ्थ टर्म की जगह सिक्स टर्म क्या है इसकी सिक्सटी फाइव ठीक तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सिक्सटी फाइव होल डिवाइडेड बाई टू तो अब आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया एट और ये हो गया ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू मतलब जब आप वन टू एट को टू से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा टू सिक्स ज ट्वेल्व और टू फोर जा एट तो सिक्सटी फोर ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे मीडियन दैट इज माध्यिका ओके तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है माध्यिका निकालते वक्त मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूं कि जब भी आपको माध्यिका निकालने को बोलेगा ठीक है जब भी आपको मीडियन या माध्य फाइंड आउट करना होगा तो आप भी लिख लीजिएगा इसको सबसे पहला स्टेप है कि आप जो भी ऑर्डर आपको दिए गए होंगे तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ठीक है मतलब आरोही क्रम में आप उनको क्या करेंगे अरेंज करेंगे ठीक है स्टेप नंबर टू कि आप एन को काउंट करेंगे कि एन क्या है एन इवन है या एन ऑड है ठीक है उसके बाद अकॉर्डिंग टू इवन ऑड आप फॉर्मूला लगा देंगे अगर इवन वाला है तो इवन वाले एन का फॉर्मूला ऑड वाला है तो ऑड वाले एन का फॉर्मूला ठीक है तो इस तरीके से आपको ये सिर्फ तीन चीजें ध्यान रखनी है जब आपकी माध्यिका का क्वेश्चन आएगा ओके तो यहाँ पे ये जो डेटा गिवन था इसको हमने क्या किया ये जो डेटा गिवन था इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ठीक है और फिर उसके बाद एन को काउंट किया एन इवन थे तो इवन वाला फॉर्मूला देन उनकी एनथ टर्म लगा के मीडियन कैलकुलेट कर लिया ठीक है इस तरीके से आपको सॉल्व करना है आई होप आपको समझ में आ क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का आता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है क्वेश्चन यदि आंकड़ों सिक्सटी सिक्सटी एट सेवेंटी सेवेंटी टू फोर इस तरीके से इनमें से प्रेक्षण सत्तर को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी नाउ अब आप यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट आपसे ये नहीं बोल रहा है कि आप दिए गए आंकड़ों का या दिए गए ऑब्जर्वेशन का आप मीडियन फाइंड कीजिए अब वो आपसे यहाँ पे अलग से एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा के बोल रहा है कि इफ़ सेवेंटी इज रिप्लेस्ड या रिमूव्ड सॉरी नॉट रिप्लेस इट विल बी रिमूव तो फिर आपको बताना है कि जो माध्यिका है उसमें कितनी वृद्धि होगी ठीक तो इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पे दो माध्यिका निकालनी पड़ेंगी या फिर दो मीन मीडियम निकालने पड़ेंगे क्यों जब तक हमें प्रीवियस डेटा नहीं पता होगा तब तक आप ये आपका प्रीवियस डेटा है आपका न्यू डेटा है आप कंपेयर कैसे करोगे कंपेयर तो आप पुराने डेटा के बेसिस पे ही कर सकते हो ना कि पहले माध्यिका थी कितनी जो अब सेवेंटी को निकालने के बाद इतनी की वृद्धि हो रही है अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखा है कि वृद्धि होगी मतलब अंडरस्टूड है कि कमी नहीं होनी चाहिए आपका कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे कमी ना आए ठीक कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे वो लिख देगा कितनी वृद्धि या कमी होगी आपको बताना है तो वो कंडीशन आपके आंसर पर डिपेंड करेगी कि आपका आंसर पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा नेगेटिव होगा तो वहाँ पे डिक्रीमेंट होगा ओके इस तरीके से आपको सोच के चलना है नाउ अब आप क्या करेंगे भाई मीडियम निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो अब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए तो सबसे पहले आएगा सिक्सटी ठीक है फिर आएगा सिक्सटी एट देन सेवेंटी फिर अरेंजड uh, ही है ऑलरेडी ये वैसे तो कई बार ऐसा होगा कि डेटा बाय डिफॉल्ट आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंजड मिलेगा एज इन दिस क्वेश्चन समटाइम्स आपको अरेंज करना पड़ेगा ठीक तो आपको तो ये दिमाग में स्टेप लेके चलनी ही है कि पहला स्टेप ऑर्डर अरेंज करना है ओके okay? ना ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर इसके बाद इसी ऑर्डर के बेस पे पहले आप एक मीडियन निकालोगे ठीक है उसके बाद आप दूसरी मीडियन निकालोगे तभी तो कंपेयर करोगे ना कि कब कितनी वृद्धि हुई है नाउ अब आप देखिए मीडियन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था सबसे पहले आप इनको काउंट करो कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके तो मतलब एन की वैल्यू कितनी है नाइन और नाइन क्या है हमारी एक संख्या जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्या ठीक है तो जब भी विषम संख्या का फॉर्मूला हो और आपको मीडियन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगता है भाई मीडियन के लिए लगता है एन प्लस वन बाई टू टर्म ठीक ये फॉर्मूला लगता है जो कि ऑर्ड वाले फॉर्मूले में छोटा होता है एन प्लस वन बाई टू हाँ

कब की प्रीवियस मीडियन जब 70 को निकाला नहीं गया था ठीक है अब कंडीशन है कि अगर 70 को हम रिमूव कर दें कहा गया हाँ अगर हम 70 को रिमूव कर दें तो बताओ मीडियन में कितनी वृद्धि होगी तो अब आप यहाँ से 70 रिमूव कर दो बाकी की चीजें तो डेटा में अरेंज है ही है ना तो क्या हो जाएगा देखो जब आपने सेवेंटी को हटा दिया तो टोटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी नाइन है नाइन में से एक संख्या सत्तर निकल गई तो अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट ठीक है तो आफ्टर रिमूविंग सेवेंटी ठीक है सेवेंटी को निकालने के बाद इज़ रिमूव्ड जब सेवेंटी को निकाल दिया गया तो एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई एट और एट क्या है एक इवन संख्या और इवन संख्या में मीडियन का क्या फॉर्मूला बन जाता है तो इवन संख्या में मीडियन का फॉर्मूला बन जाता है एन वाई एन वाई अथ टर्म प्लस एन वाई टू प्लस वन टर्म ओके होल डिवाइडेड बाय टू यही हो जाता है तो एन का मतलब आठ और आठ का आधा चार मतलब फोर्थ टर्म प्लस यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालना है होल डिवाइडेड बाय टू तो अब आप जो ऑर्डर आपका अरेंज है उसमें देख लो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म क्या है तो वन टू थ्री फोर फोर्थ टर्म है आपकी सेवेंटी फोर ठीक है अब यहाँ पे सेवेंटी को हमने रिप्लेस कर रिमूव कर दिया आप सेवेंटी मत काउंट कर लीजिएगा गया वन ये हो गया फोर four. तो फोर्थ टर्म भी आपकी सेवेंटी फोर है और फिफ्थ टर्म भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सेवेंटी फोर ही है ठीक है तो सेवेंटी फोर प्लस सेवेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू तो ये कितना हो गया फोर और फोर एट और सेवन और सेवन फोरटीन डिवाइडेड बाई टू तो ये हो गया टू सेवन जा फोरटीन और टू फोर जा एट मतलब आपकी न्यू मीडियन यानी कि जब आपने सत्तर को निकाल दिया तो आपकी माध्यिका कितनी आई सेवेंटी फोर अब आप देख लीजिए ये आपकी क्या है ये आपकी है प्रीवियस मीडियन ठीक है और ये आपकी क्या है न्यू मीडियन, ठीक तो अगर आप देखेंगे तो आपकी प्रीवियस मीडियन और न्यू मीडियन क्या है इक्वल तो अब आपके ऑप्शन पे क्या होंगे कि जीरो इंक्रीमेंट मतलब ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से होंगे ऑप्शन <coughs> ए होगा आपका एक की वृद्धि होगी ऑप्शन टू होगा दो का इंक्रीमेंट होगा ऑप्शन सी हो गया जीरो इंक्रीमेंट होगा और ऑप्शन डी होगा ऑप्शन <coughs> डी होगा कि मान लो थ्री का इंक्रीमेंट होगा इस तरीके के ऑप्शन रहेंगे तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज आपकी यहाँ पे <coughs> दोनों मीडियन इक्वल आ रही हैं इसीलिए क्या होगा कोई भी वृद्धि नहीं हुई होगी अगर हम इस गिवन डेटा में से सेवेंटी को रिप्लेस कर दें तो भी क्योंकि ये वाली जो संख्या है अगर आप टेक्निकली देखें तो सेवेंटी फोर दो बार रिपीट हुई है ठीक तो जब आप इसको अगर एक सेवेंटी फोर नहीं होता यहाँ पे तो फिर आप इसको खुद से घर में कैलकुलेट करके देखिएगा आप एक सेवेंटी फोर यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा तो देखना आंसर में फर्क आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको करना है कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज प्रीवियस वाली और न्यू वाली इक्वल है मतलब कोई भी इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं होगा तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी जीरो इंक्रीमेंट ठीक अगर कुछ चेंजेस आता तब की बात अलग थी अदरवाइज आपको इस तरीके से तो डील उसको करना ही है जब भी कंपैरिजन वाली बात होगी कि कितना इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट होगा तो आप इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे ओके okay? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों मतलब जो गिवन डेटा है वो ऑलरेडी अरेन्ज्ड है इन असेंडिंग ऑर्डर ओके अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से मैंशन कर दिया गया तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है कि बैठ गए कि भाई मीडियन का पहला स्टेप होता है ऑर्डर अरेंज करना तो वहां पे पूरा देख रहे हैं ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं नहीं अगर ऑलरेडी अरेन्ज्ड है लिखा हुआ है तो नहीं करना है ठीक नहीं लिखा है दो केसेस बने तीन केसेस बनेंगे इसमें देखिए पहला या तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों या द मीडियन ऑफ डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब वो ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है तब आपको कुछ नहीं करना है अलग से कुछ दिमाग नहीं चलाना वहां पे वो ऑर्डर आपका सेटेड है ओके okay. दूसरा केस बनेगा कि क्वेश्चन <coughs> में नहीं लिखा होगा कि वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है लेकिन वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा दिया होगा जैसा अभी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था वो डेटा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड था ठीक है लेकिन चेक तो हमें करना ही पड़ेगा ना और तीसरा केस ये रहेगा कि इधर उधर डेटा मिक्सअप रहेंगे और आपको वहां पे उसको अरेंज करना पड़ेगा ओके तो ध्यान देके चलिएगा कि हर किस टाइप में हमें कैसे उसको डील करना है कम टाइम में ओके नाउ अब आप डेटा देखिए किस तरीके का है सेवन इलेवन ट्वेल्व एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी नाइन की माध्यिका सिक्सटीन है मतलब मीडियम सिक्सटीन है तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ओके okay, तो अब आप देखिए आपको पता है ये माधिका निकालने का है। सबसे पहले ऑर्डर अरेंज करो फिर ठीक okay? तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एन की वैल्यू कितनी है एट और एट होने की वजह से एट क्या है आपका इवन नंबर इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा इवन वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि एन वाई टूए टर्म प्लस एन वाई टू प्लस होल डिवाइडेड टू यही है फॉर्मूला जब संख्या आपकी इवन हो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है दैट इज सिक्सटीन तो आप यहाँ पे इक्वल के साइड सिक्सटीन लेकर चलोगे ओके नाउ एन की वैल्यू कितनी है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ तो एन की जगह पे आठ लिखोगे तो आठ का आधा हो गया चार फोर्थ टर्म प्लस ये हो गया फिफ्थ टर्म होल डिवाइडेड बाई टू ये आ गए हमारी क्वेश्चन बन गई अब आप फोर्थ टर्म देख लीजिए कौन सी है वन टू थ्री फोर्थ ठीक है और फिफ्थ टर्म देख लीजिए कौन सी है एक्स प्लस वाई तो अब आप यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे फिफ्थ पुट कर दीजिए ओके तो फोर्थ कितनी है एक्स माइनस वाई प्लस फिफ्थ कितनी है एक्स प्लस वाई तो ये हो गया एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई टू फॉर्मूले का और सिक्सटीन हमको मीडियम की वैल्यू भी गिवन है तो इक्वल के उस साइड सिक्सटीन ठीक है नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई कट जाएगा ठीक है और एक्स और एक्स हो गए टू एक्स डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू सिक्सटीन टू से टू कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई सिक्सटीन और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट भी क्या करना था वैल्यू ऑफ एक्स ठीक तो इस तरीके से आपको मीडियन वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा मिसिंग डेटा देकर मीडियन गिवन हुए है फिर भी आपको एक्स निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे जब भी जो वेरिएबल मिसिंग होगा तो डेफिनेटली आप चेक कीजिएगा इक्वल के इस साइड कोई ना कोई डेटा गिवन होगा तभी तो आप इक्वल के उधर वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे है ना तो ये एक टाइप है मीडियन का जिसमें इस तरीके के मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं ओके तो कंफ्यूज नहीं होना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझ के चलना है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मीडियन सॉल्व करने के तरीके वही हैं लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है तो उसको ध्यान लेके चलना है आपको दिमाग में ओके ये नहीं कि मीडियन वर्ड देखा और सीधे काउंट करने बैठ गए नहीं पहले पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से कि पूछा क्या गया है ओके <coughs> चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि अब वो तरीका नहीं रह गया है कि आपसे सीधे सीधे ऐसे आंकड़े दे दिए जाएं और आपको बोले कि बताइए इसका माध्यिका कितनी होगी या माध्य कितना होगा अब सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है है ना अब पेपर का लेवल धीरे धीरे टफ करते जा रहा है तो घुमा फिरा के फ्रेमिंग आपसे की जा रही है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके चलना है अगर आप हमारे ये वीडियोस देखेंगे रेगुलरली जो पूरी प्लेलिस्ट है तो उस पर आपको खुद पता चलेगा कि कितने एन नंबर ऑफ टाइप हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं जो कि <coughs> एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन इज कि दिए गए आंकड़ों में ये आंकड़े हैं ठीक है थीके? यदि थर्टी के प्लेस पर हंड्रेड कर दिया जाए ओके तो आपको बताना है दोनों माध्यिका का अंतर कितना होगा तो अब देखो ये क्वेश्चन भी उस टाइप का है कि कोई ना कोई चेंज किया जा रहा है एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ ना कुछ रिमूव किया जा रहा है या कुछ रिप्लेस किया जा रहा है और फिर आपसे पूछ रहे कि बताइए डिफरेंस कितना होगा या डिफरेंस इंक्रीमेंट कितना होगा या डिफरेंस डिक्रीमेंट कितना होगा तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा कि आप अंतर या कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब आपके पास दो चीजें होंगी कंपैरिजन मिनिमम बिटवीन टू के बीच में ही तो हो सकता है ना मोर देन तो कितनों के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है लेकिन कम से कम दो लोग के बीच में कंपैरिजन हो सकता है है ना तो जब तक यहां पे हमें पहले का डाटा नहीं पता होगा आप थर्टी करो, रिप्लेस करोगे हंड्रेड से तो कैसे पता लगाओगे कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं या कितना अंतर है इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं पहले एग्जिस्टिंग डेटा का आप मीडियम निकालोगे दैट इज का उसके बाद थर्टी की जगह पे हंड्रेड करोगे और फिर मीडियम निकालोगे एंड देन कंपेयर करोगे कि अंतर कितना है ओके इस तरीके से आपको सॉल्व करना है <coughs> देखो तो अब आप कर लीजिए सबसे पहला रूल मीडियम निकालने का है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ओके okay? तो अब आप देखिए कि जो आपकी संख्याएं हैं वो अरेंज हैं कि नहीं तो अगर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट दे आर नॉट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर तो आपको क्या करना है अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा टेन फिर आएगा ट्वेंटी फिर थर्टी देन फोर्टी फिर फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी 80 एंड 90, ठीक सीधे सीधे नंबर थे तो जल्दी हो जाता है लेकिन अगर संख्या इस टाइप की तो रुकती हैं उसको चेक करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा ओके चलिए यहाँ पे ये हो गया अरेंज, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ओके काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मतलब एन की वैल्यू कितनी है भाई नाइन और नाइन कैसा नंबर है ऑड तो जब ऑड नंबर होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं मीडियम निकालने के लिए एन प्लस वन बाई टू टर्म हम ये फॉर्मूला लगाते हैं मीडियम निकालने के लिए ठीक है तो अब आप देखिए एन की वैल्यू है नाइन नाइन प्लस वन बाई टू मतलब टेन बाई टू और टेन बाई टू मतलब फिफ्थ टर्म ठीक है तो अब आप देख लीजिए अरेंज्ड ऑर्डर में फिफ्थ टर्म कौन सी है तो आप देखेंगे फिफ्थ टर्म इज फिफ्टी मतलब आपकी जो प्रीवियस मीडियन हो गई प्रीवियस मीडियन कितनी हो जाएगी आपकी फिफ्टी ठीक अब इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे अगली कंडीशन जो आपसे क्वेश्चन में कही गई है कि थर्टी को रिप्लेस कर दिया जाए हंड्रेड से मतलब यहाँ पे जो थर्टी लिखा है वहाँ पे लिख दो आप हंड्रेड तो जब आप हंड्रेड लिखोगे तो ये हंड्रेड तो उठ के यहाँ आ जाएगा है ना क्योंकि हंड्रेड इज ग्रेटर देन नाइन्टी तो अरेंज करोगे थर्टी की जगह हंड्रेड करोगे फिर आप ऑर्डर अरेंज करोगे फिर मीडियम निकालोगे बट आपकी एन की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी क्योंकि कोई भी संख्या आकर गई नहीं है वही की वही है बस आपने उसको न्यूमेरिकली चेंज किया है बाकी नंबर ऑफ एन की वैल्यू अभी भी स्टिल कैसी है नाइन ही रहेंगी ठीक है तो अब देखो जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ ये सोच के कि कई सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा है ओके इस वजह से मैं यहाँ पे पूरा पूरा लिख रही हूँ बट आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको वहीं के वहीं इसको नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करके सॉल्व करना है ओके चलिए अब आपने जब थर्टी को रिप्लेस कर दिया हंड्रेड से तो भी एन की वैल्यू तो उतनी ही है अभी भी नाइन तो मतलब आपकी जो मीडियम निकलेगी वो फिफ्थ टर्म वाली ही निकलेगी और फिफ्थ टर्म आप देख लीजिए क्या है तो वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ टर्म हो जाएगी आपकी सिक्सटी क्यों सिक्सटी हो जाएगी क्योंकि थर्टी यहाँ से हट गया है हंड्रेड बन गया है तो हंड्रेड बनने की वजह से थर्टी यहाँ हंड्रेड यहाँ आ जाएगा जब आप ऑर्डर अरेंज करोगे ठीक है तो फिर काउंट करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव तो फिफ्थ टर्म में क्या आ जाएगा सिक्सटी तो सिक्सटी हो गई आपकी न्यू मीडियन ठीक न्यू मीडियन हो गई आपकी सिक्सटी अब क्वेश्चन आप, आप देखिए कि 100s तो अगर रिप्लेस कर दी जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर कितना होगा तो प्रीवियस माध्यिका कितनी है 50 और न्यू माध्यिका कितनी है 60 तो दोनों का डिफरेंस कितना है 10 तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 50 दैट इज 10 ओके okay? दोनों के बीच 10 का अंतर है तो यही हो जाएगा आपका आंसर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ओके okay? तो आपने देखा कि मीन मीन के क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछे जा रहे हैं मीडियन के क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछे जा रहे हैं या तो मैं अगेन बता रही हूं या तो सीधा सीधा होगा कि गिवन डेटा का मीन निकालो या मीडियन निकालो तो जो स्टेप फॉलो होती है वही होंगी या तो सीधा नहीं होगा तो इस तरीके से एक से दो केसेस आपको लगा के पेपर में पूछे जाएंगे अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है डेटा गिवन है आंकड़े आपको कि वे ने इज ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं और आपसे बोल रहे हैं फाइंड द मीडियन मतलब माध्यिका ज्ञात करो, ठीक यही बता रही थी तो अब देखो अब पॉजिटिव अगर डेटा है तो कोई बात ही नहीं है हमें पता है भाई कि ये दस छोटा है बीस बड़ा है लेकिन अगर डेटा नेगेटिव है तो कई सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव के हिसाब से डेटा को अरेंज कर देते हैं जस्ट बिकॉज हमें मीडियम निकालना है यानी कि माध्यिका फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले ठीक है तो नेगेटिव में जब भी टर्म आ जाए नेगेटिव तो नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी दिखती है वो होती छोटी है ठीक है मतलब अगर आप देखें यहाँ पे तो नेगेटिव में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है आपको माइनस थ्री दिया हुआ है माइनस टू दिया हुआ है और माइनस फाइव दिया हुआ है तो माइनस थ्री माइनस टू और माइनस फाइव में कौन सबसे छोटा होगा ध्यान से सुनिएगा छोटा होगा क्योंकि असेंडिंग में सबसे छोटा सबसे पहले आता है तो छोटा क्या होगा यहाँ पे माइनस फाइव जो बड़ा दिखता है नेगेटिव में वो रियल में छोटा होता है ठीक फिर आएगा माइनस का थ्री और फिर आएगा माइनस का टू तो ये हो गई नेगेटिव टर्म अरेंज उसके बाद आप पॉजिटिव में पहुंच जाओ फिर आएगा ज़ीरो ठीक ज़ीरो भी हो गया फिर आएगा वन वन भी हो गया फिर उसके बाद आएगा फोर कितने बार है दो बार है ये हो गया फोर फोर हो गया फोर हो गया फिर फाइव सेवन एंड देन टेन ये हो गया ठीक तो ये ऑर्डर आपका अरेंज हो गया किसमें डिंग फॉर्म में ओके okay? अब आपको क्या करना है इनको काउंट करना है कि ये कितने हैं सेकेंड स्टेप है हमारा एन ए टर्म निकालना तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मतलब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी टेन एंड टेन इज द इवन नंबर इवन है तो मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई एन वाई एन एन वाई टूए टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म ये होता है होल डिवाइडेड बाई टू तो अब आप कर दीजिए एन मतलब टेन टेन का आधा पाँच फिफ्थ टर्म प्लस टर्म होल डिवाइडेड बाई टू अब आप देख लीजिए फिफ्थ टर्म कौन सी है यहाँ पे ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ टर्म क्या है आपकी वन तो ये हो गई वन प्लस सिक्स टर्म क्या है आपकी फोर तो ये हो गई फोर डिवाइडेड बाय टू मतलब ये हो गया फाइव पॉइंट फाइव बाई टू दैट इज टू पॉइंट फाइव और ये टू पॉइंट फाइव क्या है आपकी माध्य का यानी कि मीडियन ठीक है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ओके तो अगर क्वेश्चन नेगेटिवली गिवन है तो भी आपको वहां पे घबराना नहीं है आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव में पांच और तीन में से पांच बड़ा है लेकिन नेगेटिव में माइनस फाइव और माइनस थ्री का कंपेयर करोगे तो माइनस फाइव इज लेसर देन माइनस थ्री ठीक है इस तरीके से आपको करके चलना है ओके आई होप अगर डेटा नेगेटिव भी आएगा तो आप वहां पे कर पाएंगे ओके नाउ अब देखिएगा हमने मीन पढ़ लिया मीडियन पढ़ लिया अब हम आते हैं मॉड यानी कि बहुलक में अंडर स्टैटिस्टिक्स मॉड से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ कि ये मॉड होता क्या है मॉड यानी कि बहुलक हिंदी में कहते हैं इसके लिए क्या आपको एक ही कॉन्सेप्ट इसके लिए ध्यान रखना है कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डेटा सेट मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जो भी गिवन डेटा है उसमें सबसे ज्यादा बार जो टर्म आई हुई होगी वही उसका मॉड बहुलक कहलाएगी ठीक है तो दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है देट इज कॉल्ड बहुलक या मॉड बस आपको इसके लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए जब भी मॉड की बात हो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके इन द गिवन डेटा सेट ओके ये आपको ध्यान रखना है अब क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डेटा गिवन है न्यूमेरिकली अरेंज्ड है ठीक है तो डेटा गिवन हाँ सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज वरेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको ये जैसे यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा मतलब दिए गए आंकड़ों का आपको क्या करना है दिए गए आंकड़ों का आपको बहुलक निकालना है तो आपको बस इतना सोच के चलना है कि जब भी बहुलक की बात होगी हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई है जैसे यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं करना जैसा लिखा है उसमें बस काउंट करने बैठ जाना है जैसे आप देखो यहाँ पे सिक्सटी सिक्स है एक बार आया है और कहीं आया है क्या सिक्सटी सिक्स दो बार आया है तीन बार आया है मतलब सिक्सटी सिक्स तीन बार आया है बाकी का वैल्यू देखो बाकी का देखो सिक्सटी नाइन एक बार आया है दो बार आया है तीन बार आया है बस मतलब सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी नाइन तीन तीन बार आए हैं ठीक है थीके? और अगर हम देखें एट्टी थ्री एट्टी थ्री एक बार आया है दो बार आया है तीन बार आया है चार बार आया है एट्टी थ्री कितने बार आया है चार बार है। हमें मतलब कॉमन नंबर की नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने की वो कितने बार आया ओके नाउ इसके बाद आप देखो अगला क्या है एट्टी फोर एक बार आया है दो बार आया है बस दो बार आया है उसके बाद आप देखिए सेवेंटी फोर एक बार दो बार तीन बार ठीक है और आप आगे बढ़ते जाओ तो सेवेंटी वन एक बार दो बार बस दो बार आया है ओके उसके बाद आप देखो नाइन्टी भी तो दो बार आया है मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है वो आपका बहुलक या मॉड होगा तो आप आप देख लीजिए आई थिंक एट्टी थ्री सबसे ज्यादा बार आया है एक दो तीन चार हाँ मतलब सिर्फ एट्टी थ्री ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया है और वो सबसे ज्यादा बार की संख्या क्या है कि वो चार बार आया है ठीक तो आपका एट्टी थ्री ही क्या हो जाएगा राइट right आंसर मतलब इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए सिंपल फटाफट अपनी आंखें इतनी स्ट्रांग रखनी है कि आपको सही दिखे कि हाँ कि कौन कितने बार आया है नहीं तो पेपर में क्या होता है ना जनरली टर्म्स इतनी पास पास लिखी हुई होती हैं कि हमें इल्यूजन हो जाता है कि हम ये काउंट किए हैं या कर चुके हैं इस तरीके से थोड़ा केयरफुली लेके काउंट करना है कि कौन कितने टाइम्स में पूछा आया है ओके इस तरीके से आपको बहुलक निकालना है बहुत ईजी है इसमें कुछ भी डिफिकल्टी जैसा लेवल नहीं है ओके बट यहाँ पे तो बात थी भाई कि सीधे सीधे आपको डेटा गिवन था आंकड़े दिए गए थे लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे टेबुलर फॉर्म में पूछा जाए तब आप क्या करोगे देखिएगा क्वेश्चन कैसा आता है तो आपको हर टाइप के लिए मेंटली प्रिपेयर रहने की क्वेश्चन और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है तो देखिएगा क्वेश्चन इज एक टेबल बनी आपको तो ही रही है ये एक्स की वैल्यू है और ये एफ की वैल्यू है वेर एक्स क्या है भाई इन द गिवन डेटा एक्स इज द साइज ऑफ अ शर्ट मतलब ये जो एक्स का रो uh, है ये शर्ट के साइज को डिनोट कर रहा है ठीक है एंड एफ डिनोट्स द सेल पर डे मतलब एफ ये बता रहा है कि पर डे कितनी सेल हो रही है ये उसकी संख्या है ओके नाउ क्वेश्चन इज कि विच साइज शर्ट इज इन द मोस्ट डिमांड आपको ये बताना है इनमें से कौन सी साइज की शर्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है ओके okay, तो सबसे ज़्यादा डिमांड का होना का मतलब मॉड से कैसे रिलेट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होना मॉड को अगर हम बुकिश लैंग्वेज या डेफिनेशन में जाएं तो हम क्या पाते हैं कि उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो उसने टेबुलर फॉर्म में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है कि अगर एक्स शर्ट के साइज को डिनोट कर रहा है एफ उनकी सेल पर डे दे को डिनोट कर रहा है तो आपको बताना है कि किस शर्ट की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है है ना यही पूछा है ना किस साइज़ की शर्ट की मांग सबसे ज़्यादा है तो आप खुद सोचिए किसी भी प्रोडक्ट की मांग या प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा कब होगी सबसे ज़्यादा वो बिकेगी कब जब उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी है ना तो अब आप यहाँ पे देखिए कि एफ क्या है सेल पर डे तो जो सबसे ज़्यादा बिकेगी मतलब आपको यहाँ की संख्या पे जाना है कि जो सबसे ज़्यादा बिकेगी उसी की डिमांड सबसे ज्यादा होगी है ना ये आप दिमाग में लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है सेल बता रहा है, मतलब कितनी बिक रही है तो सबसे ज्यादा कौन बिक रहा है पे? सबसे ज्यादा संख्या किसकी है 128 की ठीक है सॉरी 120 की मतलब 128 बिक्री हुई है किस शर्ट की 28 वाले की ठीक है मतलब जिस शर्ट का साइज ट्वेंटी एट है उस शर्ट की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है ठीक तो आपका क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा किस साइज की शर्ट की मांग सबसे ज्यादा है तो साइज के रिस्पेक्ट में पूछा है ठीक तो आप ट्वेंटी एट आंसर दोगे अगर बिक्री के रिस्पेक्ट में पूछता या फिर सेल पर डे के रिस्पेक्ट में पूछता तो आप वन ट्वेंटी आंसर देते तो आपके ऑप्शन में वन ट्वेंटी भी गिवन होगा और ट्वेंटी एट भी गिवन होगा क्योंकि वन ट्वेंटी क्या है उनकी आ, बिक्री है और ट्वेंटी एट उनका साइज़ है तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे तो यहाँ पे पूछा है कि किस शर्ट की मांग सबसे ज़्यादा है तो किस साइज के शर्ट की तो जिस शर्ट का साइज ट्वेंटी एट है उसकी मांग सबसे ज़्यादा है कैसे पता क्योंकि उसकी बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है ठीक इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है ओके इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ऐसा सॉल्व करने का नहीं है थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोच के चलना ठीक है तो आपसे बन जाएगा ओके तो एक ये टाइप हो गया जब सीधा सीधा डेटा गिवन होगा और आपको मॉड निकालना होगा एक ये टाइप हो गया कि जब टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन होगा और मॉड निकालना होगा ओके कब 28 आंसर होगा और कब 120 आंसर होगा दोनों मैंने बता दिया ओके चलिए अब आप देखिएगा मॉड से रिलेटेड ही मतलब बहुलक से रिलेटेड ही एक इस फॉर्मूले पे बेस्ड जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई कर दिया जाता है तो इस टाइप के फॉर्मूले वहाँ पे हिट करते हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ओके okay? <coughs> देखो यहाँ पे भी टेबल थी लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ तो आपको ये दिखाना चाहती हूँ मैं कि कब इस फॉर्म टेबुलर फॉर्म में ही हो रहा है यूज है ना तो कब हो रहा है आप ये देखिएगा तो वन द डेटा वेन द डेटा इज गिवेन इन टेबल एंड फाइंड मॉड अगर आपका डेटा तालिका के फॉर्म में या टेबल चार्ट के फॉर्म में गिवन है और आपको वहाँ पे बहुलक निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है ओके okay? देखो मॉड इक्वल्स टू कैपिटल एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू आई अब ये क्या है तो यहाँ पे बता रही हूं मैं ठीक इसके अलावा हिंदी में भी बताऊंगी वेट कीजिएगा देखो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है आपको एल तो एल का मतलब है मिनिमम लिमिट ठीक एल का मतलब क्या है जो भी आपकी टेबल होगी उसमें जो मिनिमम लिमिट होगी वो आपकी एल होगी अभी टेबल में इंडिकेट करूंगी एफ वन का मतलब है यहाँ पे दिख रहा है आपको एफ वन एफ वन का मतलब है द नंबर ऑफ मॉड कैटेगरी मतलब जो हम मॉड फाइंड आउट करते हैं ना जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो हो गए एफ वन की वैल्यू ठीक है इसके बाद एफ जीरो क्या है यहाँ पे जो एफ जीरो है तो अपर क्लास ऑफ द मॉड क्लास मतलब जहाँ पे टेबल में मॉड होगा उसके ऊपर वाली कैटेगरी आपकी एफ जीरो में आएगी ठीक है एफ वन में वो खुद मॉड आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी एफ जीरो में मॉड के ऊपर वाली कैटेगरी और एफ टू में लोअर क्लास क्लास ऑफ मतलब की नीचे वाली कैटेगरी ठीक है और यहाँ पे एक और टर्म है आई यहाँ पे जो इंटू किया गया है दैट इज इंटरवल 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 जो भी टेबल में गिवन होगा एक फिक्स दिया होता है टेबल में ऐसा नहीं है कि इंटरवल चेंज होते रहता है अलग अलग किसी में डेसिमल किसी में होल ऐसा नहीं होता एक फिक्स इंटरवल होता है तो दैट इंटरवल्स वैल्यू विल बी मल्टीप्लाई हेयर ओके तो ये इसका फॉर्मूला है उसके बाद अब क्वेश्चन के थ्रू इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करती हूं कि कैसे हमको इस फॉर्मूले को इस टेबल में लगाना है देखो अगेन क्वेश्चन इतना सा दिख रहा है आपको कि फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डेटा मतलब दिए गए दिए गए आंकड़ों का आंकड़ों का बहुलक बताना है आपको ठीक है दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताना है जो कि इस टेबल के फॉर्म में दिया गया है ये साइज है और ये नंबर है ठीक है साइज आपका एक से तीन तक तीन से पाँच पांच से सात सात से नौ नौ से ग्यारह तो यहाँ पे इसी साइज, इसी साइज़, इंटरवल वाले कॉलम में एक फिक्स इंटरवल होगा इंटरवल क्या होगा एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच के कितने का अंतर है जैसे एक से लेके तीन तक कितने का अंतर है दो का अंतर है तीन से पाँच के बीच दो का अंतर है पांच से सात में भी दो का सात से नौ में भी नौ से ग्यारह में भी मतलब ये जो साइज है या जो इंटरवल है ये हो गई आपकी आई की वैल्यू दैट इज टू ठीक हमें यहाँ पे मॉड ही निकालना है तो मॉड का फॉर्मूला था भाई देखिएगा मॉड का फॉर्मूला था कैपिटल एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय टू एफ वन था क्या टू एफ वन एफ ज़ीरो एफ टू हाँ टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू माइनस एफ टू इन टू आई ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आप तीन चार बार लिख के याद कर लीजिएगा एक से दो बार में ही आपको याद हो जाएगा ठीक है यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना ऊपर एफ वन माइनस एफ जीरो है नीचे एफ वन फिर एफ जीरो फिर एफ टू ठीक है एफ वन एफ जीरो पे कैपिटल एल यहाँ पे बाहर आई इस तरीके से ये एक फॉर्मूला है कब मॉड को कैलकुलेट करता है फॉर्मूला जब आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में गिवन हो और वो भी इस इंटरवल टाइप के फॉर्म में ठीक टेबल अगर सीधी सीधी गिवन है तो वहाँ हर टेबल में मॉड का फॉर्मूला नहीं लगता है ये भी देख के चलना कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है ओके जैसे यहाँ पे नहीं लग रहा था और यहाँ पे लग रहा है जब आप फाइनल रिविजन करेंगे इस वीडियो का तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा ओके तो देखो अब यहाँ पे एल क्या बताया मैंने एल है आपकी मिनिमम लिमिट ठीक है तो सबसे पहले तो आप ये आपके नंबर हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो किसकी सबसे ज्यादा है तो आपको दिखेगा जो तीन से पांच इंटरवल है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू है दैट इज नाइन तो ये नाइन क्या हो गया आपका नाइन सबसे ज्यादा बार आया है और मैंने क्या बताया था जो वैल्यू मॉड कैटेगरी में होगी वो क्या होगी आपकी नंबर ऑफ मॉड कैटेगरी तो ये हो गया आपका एफ वन ठीक ऊपर वाला हो गया इसका एफ जीरो और नीचे वाला हो गया इसका एफ टू बताया था ना अपर क्लास ऑफ द मॉड कैटेगरी एंड लोअर क्लास ऑफ द मॉड कैटेगरी और I कितना हो गया है यहाँ पे हमारा टू ठीक है और आपकी जो L है कैपिटल L क्या है लिमिट है ना तो लिमिट किसकी देखनी है ये आपका सबसे ज्यादा बार आया है नाइन नाइन का इंटरवल है थ्री टू फाइव तो जो थ्री है ये इसकी लोअर लिमिट है और जो फाइव है ये इसकी अपर लिमिट है तो हमें क्या लेना है लोअर लिमिट एल मतलब लिमिटेड लिमिट, लिमिट या फिर मिनिमम लिमिट ओके तो अब आपको सारी वैल्यू मिल गई तो अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आपको मॉड निकालना है आपको कुछ नहीं करना है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बनी बनाई आपके पास टेबल मिलेगी उसमें वही के वही मार्किंग करके आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एफ वन क्या है बहुलक यानी कि फ्री नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है टेबल में ओके तो देखो एल आपका हो गया थ्री ठीक है प्लस एफ <coughs> वन क्या है आपका तो f1 है आपका नाइन माइनस f0 क्या है आपका सेवन ओके डिवाइडेड बाय टू इंटू एफ क्या है आपका नाइन ठीक माइनस f0 क्या है आपका सेवन माइनस f2 क्या है आपका टू ठीक इंटू आई क्या है आपका टू क्योंकि इंटरवल कितने का है टू का तो इस तरीके से आपने इसको पुट किया है ये मत सोच लेना यहाँ वाला सेवन उठ के यहाँ आया है सेवन ये वाला है मोड के अपर क्लास वाली वैल्यू ओके <coughs> अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा ये थ्री प्लस नौ नौ में से सात गया दो नीचे कितना बचा टू माइनस सेवन माइनस टू ठीक है इन टू इंटरवल का टू नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए थ्री प्लस ये कितना हो गया टू डिवाइडेड बाय प्लस टू से माइनस टू कट गया तो ये हो गया कितना सेवन यहाँ पे गड़बड़ हो गई एफ़ वन क्या है आपका एफ वन आपका नाइन है हमने यहाँ बाय मिस्टेक वन लिख दिया है तो आप इसको नाइन कर लीजिएगा नाउ टू इन टू एफ वन की वैल्यू कितनी है नाइन तो ये हो गया नाइन नाउ अब देखिएगा क्या होगा तो नाइन माइनस सेवन हो गया टू नाइन टू सा हो गया एटीन और ये कितना हो गया माइनस का नाइन ठीक माइनस टू में माइनस सेवन जुड़ जाए माइनस टू और माइनस सेवन विल बी माइनस नाइन ठीक है तो थ्री प्लस ये कितना हो गया भाई टू डिवाइडेड बाई यहाँ पे बचा नाइन ओके और ये कितना हो गया इन टू इंटू टू ठीक इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब आप इसको किस तरीके से आगे कैलकुलेट करेंगे थ्री प्लस थ्री प्लस टू बाई नाइन टू बाय नाइन इन टू ये क्वेश्चन थी हमारी ना अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए थ्री प्लस टू टू जा फोर बाय नाइन तो ये कितना हो जाएगा नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन और फोर हो गया थर्टी वन बाय नाइन तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और कितना हो जाएगा ये नाइन थ्री हजार ट्वेंटी सेवन बचा कितना चार तो पॉइंट uh, और ये कितना हो जाएगा फोर थ्री पॉइंट फोर ठीक थ्री पॉइंट फोर आ जाएगा आपका और ये थ्री पॉइंट फोर क्या है आपका मॉड है मॉड ऑफ द गिवन डेटा जो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है तो ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वजह से वोट फिलिंग है आप इसको फटाफट कैलकुलेट करिएगा दिमाग में ये फॉर्मूला रखना है बस और ये कैलकुलेशन इतनी छोटी है कि आपको इसको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन डील करना है जब आपका डेटा बहुलक वाला हो और टेबुलर फॉर्म में गिवन हो विद इंटरवल वैल्यूज इस तरीके का इंटरवल में डेटा है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इंटरवल में डेटा नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा मैंने यहां पे बताया था ठीक है दोनों टेबल में डिफ्रेंशिएट भी कर दिया मैंने नाउ अब बहुलक से रिलेटेड मॉड से रिलेटेड एक और कुछ फॉर्मूले देखने को मिलते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं देखिएगा अभी आपने देखा हमने बहुलक यानी कि मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज तो मैं अलग से बता दूं तो इसमें एक कैटेगरी है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है वो आपका बहुलक यानी कि मॉड होगा दूसरी कैटेगरी है सिंपल टेबल वाली जिसको हम कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया तीसरी कैटेगरी है मॉड कैलकुलेट करने के लिए जब इंटरवल वाली टेबल गिवन हो तो वो फॉर्मूला लगेगा चौथी कैटेगरी है ये फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर मॉड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आई एम श्योर अबाउट दिस ओके तो आपने अगर इतना कर लिया तो इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है तो देखिएगा अब आपको बहुलक निकालना है यानी कि मॉड कैलकुलेट करना है और आपके क्वेश्चन में मीन या मीडियन भी गिवन हो ओके okay? और आपको बहुलक निकालना हो तब तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि थ्री इंटू मीडियन माइनस टू इंटू मीन ठीक है इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे या फिर एक और फॉर्मूला है बहुलक बराबर माध्य बहुलक दैट इज मोड इक्वल्स टू मीन माइनस थ्री इंटू थ्री इंटू माध्य यानी कि मीन माइनस मीडियन ठीक है मीन माइनस मीडियन इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं और दूसरा एक और फार्मूला है जो माध्यिका बराबर है मतलब मीडियन बराबर मीडियन इक्वल्स टू बहुलक दैट इज मॉड प्लस टू बाई थ्री मीन माइनस मॉड ये एक फार्मूला है ठीक है जिसमें यहाँ पे टू बाई थ्री आएगा ओके यहाँ पे प्लस यहाँ पे इक्वल इसी को जहाँ पे इंग्लिश जहाँ पे हिंदी वाला है वहाँ पे नीचे इंग्लिश टर्म लिख दिया बाकी फार्मूला सेम रहेगा अब ये मत सोचना कि यहां थ्री क्यों नहीं लिखा लिख लो नहीं तो पता लगा आधा अधूरा पढ़ लो आप लोग ओके तो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले पे क्या होगा ना एक दो तीन तीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं तीन में से कोई भी दो चीज़ आपको गिवन होगी और तीसरी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हमेशा बहुलक ही फाइंड आउट करने को आए या हमेशा मॉड ही फाइंड आउट करने को आए आपको समटाइम्स मॉड गिवन होगा मीन निकालना मीडियम निकालना होगा और मीन गिवन होगा तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ठीक है इसके अलावा अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे हो तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो मतलब मीन मीडियन और मॉड से रिलेटेड ये तीन फॉर्मूले हैं ठीक है अब डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम हॉल में कौन सा कॉन्सेप्ट याद आता है ठीक है तो इस तरीके से आप इनको डील कर सकते हैं ओके है वही चीज निकालना है किसी में माध्य किसी में बहुलक निकाल रहे हैं तो डिपेंड करते हैं आप किस फॉर्मुले से इसको पुट करके कर पा रहे हो ओके जो आप याद रख पा रहे हो आप उसको याद रख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्लियर अब देखिएगा इन फॉर्मूले पे बेस्ड या तो फिर से मैं बता दूं या तो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा कि दिए गए आंकड़ों की अगर माध्य का ये है माध्य ये है तो बताइए बहुलक क्या होगा या तो सीधा होगा या फिर किस तरीके का होगा देखो जैसे यहाँ पे है ठीक सीधा सीधा का आने का मतलब एकदम बेसिक लेवल पूछना है ना और बेसिक लेवल में भी अगर कैलकुलेट वही चीज करनी है तो कैसे करोगे आप देखिएगा जैसे <coughs> यहाँ पे है कि यदि एक श्रेणी का बहुलक यानी कि मोड उसके माध्य से नाइन अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर आपको बताना है ठीक है यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से नाइन अधिक है तो बहुलक और माध्यिका का अंतर आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए आपको कैसे करना है मैंने आपको अभी ये फॉर्मूले बताए ठीक है तो अगर आप पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा कि पहला क्वेश्चन है कि, कि किसी श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से नौ अधिक है तो अगेन डिपेंडेंसी की बात हो गई कि यहाँ पे हमें नहीं पता कि पहली चीज तो माध्य भी हमें नहीं पता है और बहुलक उससे नौ ज्यादा है क्वेश्चन ये कह रहा है ओके okay? तो आप क्या करेंगे माध्य को सपोज कर लेंगे ठीक है आप माध्य को सपोज कर लेंगे कि हमने मान लिया कि जो माध्य यानी कि जो मीन है वो क्या है एक्स है ठीक है तो जो आपका मोड यानी कि जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस नाइन क्यों क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि वो उससे नाइन अधिक है ठीक है अब क्वेश्चन इस कि उसके बहुलक और माध्यिका का, का अंतर बताना है तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था जहां पे मोड इक्वल्स टू होता है थ्री इंटू मीडियन माइनस मीन है ना थ्री इंटू मीडियन माइनस टू इंटू मीन माइनस टू इंटू मीन ये फॉर्मूला होता है ठीक है इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दीजिए तो कितना हो जाएगा तो आप पाएंगे मॉड की जगह पे आप क्या रखोगे एक्स प्लस नाइन ओके थ्री मीडियन तो आपको पता है ही नहीं ओके माइनस टू इंटू मीन आपने सपोज किया है एक्स तो ये हो गया एक्स नाउ, ये समझा रही हूँ उस वजह से फॉर्मूले में एक एक वैल्यू पुट करके बता रही हूँ आप डायरेक्ट करोगे ओके थ्री इंटू मीडियम माइनस टू इंटू मॉड मीन इस तरीके से ठीक है नाव कितना हो जाएगा एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू ये हो गया थ्री मीडियन ठीक माइनस टू एक्स टू एक्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू थ्री इंटू मीडियन ये हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से आप थ्री कॉमन ले लो तो दिस विल बी एक्स प्लस थ्री और ये हो जाएगा थ्री इन टू मीडियन ठीक थ्री से थ्री कट गया तो एक्स प्लस थ्री बराबर क्या हो गया मीडियन के मतलब मीडियन इक्वल्स टू कितना आ गया एक्स प्लस थ्री ये हमारी वैल्यू आ गई अब देखिए जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्ट न्यूमेरिक डेटा नहीं दिया गया है इस वजह से वैल्यूज़ आपकी ऐसी आ रही हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में ठीक है जब डायरेक्ट न्यूमेरिक डेटा दिया होगा तो यहीं की यहीं वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी एक ही लाइन में ओके नाउ अब आपसे आप पूछा है लास्टली कि बहुलक और माध्यिका का अंतर बताना है तो आपका बहुलक कितना है x प्लस नाइन और आपकी माध्यिका कितनी निकल गई है x प्लस थ्री तो दोनों का अंतर पूछा है तो x प्लस नाइन में से एक्स प्लस थ्री आप घटा दीजिए तो आप घटाने के लिए पहले ब्रैकेट लगाओ माइनस लगाओगे फिर ब्रैकेट लगाओगे ये मत करना कि एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स प्लस थ्री कर दिए बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ करके आएंगे कि माइन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे वो ठीक है तो ब्रैकेट लगाना है उसके बाद आपको सॉल्व करना है तो x से x कट गया और नाइन में से थ्री गया तो कितना बचा सिक्स मतलब सिक्स आपका क्या हो गया डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड मीडियन ओके मतलब मीडियन और मॉड के बीच का अंतर कितना है सिक्स है ठीक तो आपने देखा बिना किसी न्यूमेरिक डेटा के गिवन हुए भी हमने न्यूमेरिकली वैल्यू निकाल लिया ठीक है तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है आई होप आपको समझ में आ रहा हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में देखने को मिलता है ध्यान से कीजिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाँ अब एक और क्वेश्चन है मॉड से रिलेटेड लेकिन पूछा किस तरीके से क्या है देखो अब जिसने सीधा सीधा पढ़ के क्या होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही मॉड है तो अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो वो क्या करेगा वहाँ पे, है ना हमसे बोल रहा है फॉर दिस फॉलोइंग डेटा मतलब ये जो डेटा आपको दिया गया है इसका आपको मॉड इंटू मीडियन प्लस मीन निकालना है मतलब क्वेश्चन आपका एक ही है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग बनाने के लिए एक ही क्वेश्चन में आपको तीन चीजें कैलकुलेट करने को दी गई हैं आपको इसका मॉड भी निकालना है मॉड कैसे निकालोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होगी ठीक मीडियन भी निकालना है मीडियन कैसे निकालोगे सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे नंबर ऑफ एन देखोगे इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला ओके और फिर मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालोगे दिए गए डेटा सबको जोड़ोगे नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दोगे जैसे एवरेज निकालते हैं और ये कर देना है मतलब जो मॉड की वैल्यू होगी उसमें और मीडियम में इनटू करोगे प्लस मीन करोगे मतलब अब यहाँ पे ये नहीं अब यहाँ पे क्या लगेगा आपका मॉडमास फॉर्मूला लगेगा रूल लगेगा कि किसका कैलकुलेशन पहले होगा मॉड की कुछ वैल्यू आएगी आपके पास इनटू मीडियन की कुछ वैल्यू आएगी आपके पास प्लस मीन की कुछ वैल्यू आएगी तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बॉड मार्स के अकॉर्डिंग भी मल्टीप्लीकेशन पहले होगा ना देन एडिशन तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना फिर जो आएगा उसमें मीन की वैल्यू को ऐड कर देना ठीक है तो अब ये आपका होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी कि राइट right आंसर क्या है ठीक है तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें कैलकुलेट करोगे तो आपका रिविजन हो जाएगा ओके ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं ठीक चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन भी मॉड से रिलेटेड है ठीक बोर नहीं होना है यहाँ पे इस सिंगल वीडियो में मैं सारे टाइप और फॉर्मेट करा रही हूँ जो हर टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है जैसे मीन से जितना इम्पोर्टेंट है वो करा दिया मीडियन से जितना इम्पोर्टेंट है वो करा दिया और मॉड अभी चल रहा है ठीक है देखो इफ द वैल्यू ऑफ द इज़ 14, मतलब अगर बहुलक की वैल्यू कितनी दी गई है फोर्टीन एंड द अरिथमेटिक मीन इज फाइव मतलब माध्य की वैल्यू कितनी दी गई है पांच देन फाइंड वैल्यू ऑफ मीडियन मतलब माध्यिका की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है आप देख लीजिए गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि बहुलक बहुलक आपको दिया गया है फोर्टीन ठीक है माध्य आपको दिया गया है कितना पांच और आपको माध्यिका निकालना है तो अब तो आपसे बनी जाएगा कि नहीं बनेगा माध्यिका निकालना है तो उसी तरीके से फॉर्मूला लगाओगे बहुलक बराबर क्या होता है तीन इंटू मीडियन माइनस टू इंटू माध्य यही होता है फॉर्मूला तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए तो फोर्टीन इक्वल्स टू थ्री इंटू मीडियन माइनस फाइव टू ज टेन तो फोर्टीन और टेन हो गया भाई ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल्स टू मीडियन ठीक है तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी एट और यही हो जाएगा आपका आंसर तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही कम सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन में आपको बहुलक दिया गया था आरथमेटिक मीन यानी कि माध्य गिवन था और माध्य का आपको फाइंड आउट करनी थी तो ये मैंने फॉर्मूला ही लगाया है नथिंग एल्स यहाँ है मॉड इक्वल्स टू थ्री इंटू मीडियन माइनस टू मीन ठीक ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ओके ठीक है चलो कर लेंगे ना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आके हमारा बहुलक स्टॉप होता है मतलब जो मॉड वाला कॉन्सेप्ट था अब आ रही है रेंज मतलब अगर आपको रेंज निकालने के लिए आए क्वेश्चन में जिसे हिंदी में परास कहते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे रेंज निकालने के लिए बहुत ही कम सेकंड में सॉल्व होने वाला कॉन्सेप्ट है ये इसमें आपको क्या करना है अपर uh, लिमिट में से लोअर लिमिट को आपको घटानी है मतलब जो भी आंकड़े या डेटा आपको गिवन होगा एग्जाम में उसमें आप देखोगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सबसे बड़ी संख्या अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी संख्या है ट्वेंटी तो लिख लो ट्वेंटी एट फिर देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी संख्या है इलेवन ठीक है तो यहाँ पे माइनस कर दो इलेवन मतलब रेंज या परास निकालने के लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या आप घटा दीजिए ये संख्याएं कहाँ से आएंगी ये क्वेश्चन में आएंगी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है ठीक तो आठ में से एक गया सात और दो में से एक गया एक मतलब सेवनटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज रेंज या परास ठीक है इस तरीके से आपको करना है कि रेंज या परास निकालने के लिए आपको चीज ध्यान रखनी है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है क्वेश्चन में देख के ठीक है ये तो ये है ट्वेंटी एट और ये सबसे छोटी संख्या इलेवन तो ये हो गया आपका राइट right आंसर तो अगर रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ना कि नहीं कर पाएंगे इस तरीके से करना है ठीक है नाउ हमारा यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट हो गया मीन कंप्लीट हो गया मीडियन कंप्लीट हो गया मॉड कंप्लीट हो गया और रेंज कंप्लीट हो गया रेंज में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता एक ही लाइनर आपको चीजें याद रखनी है बस अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मानक विचलन ठीक है ये और बचा है हाँ हमने अभी तक कहाँ तक कर लिया रेंज तक कर लिया ठीक है हमने ये कवर कर लिया ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया नाउ अभी हमारे तीन सेक्शन और बचे हैं दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम मानक विचलन कहते हैं फिर वेरिएंस जिसे विचरण कहेंगे और फिर वेरिएंस मल्टीपल मल्टीप्लायर जिसे विचरण गुणांक कहेंगे तो मानक विचलन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है तो इससे रिलेटेड भी कुछ हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये फार्मूले पता हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसा कुछ इसमें टफ भी नहीं है कि आप ये याद ना रख पाओ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मल्टीपल चीज़ें दिमाग में रख के चलनी पड़ेंगी तब आपका सिलेक्शन होगा अगर आप एक लिमिटेड एडिशन पढ़ के जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला उसमें ठीक तो यहाँ पे आपको मैं सिंगल वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ जिससे आपको और इधर उधर कहीं पे भी ना अभरना पड़े यहाँ पे आप पढ़ो इसी वीडियो को एक से दो बार रिवाइज करो आपका काम क्लियर हो जाए ठीक है ना <coughs> तो मानक विचलन अगर आपको निकालने को आता है एग्जाम में तो उसका फॉर्मूला है कि विचरण का स्क्वायर रूट कर दो आप मतलब ये कि आपके क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली विचरण गिवन होगा या फिर मानक विचलन गिवन होगा दो में से कोई भी एक टर्म गिवन होगी तो आपको उसको दूसरी चीज निकालनी होगी यहां पे दो ही वैल्यू दिख रही हैं मानक विचरण स्टैंडर्ड डेविएशन और विचरण वेरिएंस है ना ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है और ये है विचरण दैट इज वेरिएंस ओके तो या तो वेरिएंस गिवन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन

कि टू टू जॉ फोर होता है ये टेबल रटा हुआ है ना दिमाग में तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है 169 का 13 होता है 144 का 12 तो जैसे ये रटा जैसे ये याद है मुझे वैसे आपको याद होना चाहिए ठीक है तो एटलीस्ट आपको 20 तक के स्क्वायर रूट तो पता होने चाहिए और टेबल भी है ना नाउ एक और फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे विचरण निकालने का विचरण निकालने के लिए देखो इसी से बना है जब आपको विचरण निकालना होगा तो ये जो स्क्वायर रूट है ये इधर पे बन जाएगा पार टू मतलब घात दो ठीक तो विचरण निकालना है तो मानक विचलन गिवन होगा आप उसका स्क्वायर कर देंगे मानक विचलन निकालना है तो विचरण होगा उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे ठीक है नाउ अगर आपको वेरिएंस मल्टीप्लायर निकालने को आता है ठीक है अगर आपको वेरिएंस मल्टीप्लायर निकालने को आता है तो उसका फॉर्मूला क्या है मानक विचलन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय विचरण का माध्य मतलब यहाँ पे आपको मीन वैल्यू गिवन होगी जो आपका वेरिएंस है उसकी मीन वैल्यू गिवन होगी और उसमें इंटू करना है हंड्रेड का ठीक तो मैंने दोनों उसमें बता दिया यहाँ पे भी विचरण मतलब वेरिएंस निकालना है ठीक है और मानक विचलन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से आपको उसको कैलकुलेट करना है अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं होता सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे और मैं आपकी समझ के लिए बताना चाहती हूँ कि ऐसे जो भी क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूले पे डिपेंडेंट होते हैं मतलब अगर उसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा तो आप अपना दिमाग वहाँ कुछ और नहीं लगा सकते सॉल्व करने के लिए ओके तो इसीलिए ऐसे पता ये बहुत होते हैं ऐसे जिसमें हमें और कुछ दाम झाम नहीं करना होता कि और क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाए नहीं ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें सीधे फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा और एक से दो से तीन सेकेंड में आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ओके तो आप इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को समझिए कि ये जो स्टैट्स का पूरा टॉपिक है ये पूरा जो सांख्यिकी जिसे हम कहते हैं हिंदी में ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है ठीक है तो अगर आप कि मैथ्स वीक है या फिर स्ट्रांग है जो भी है तो ऐसे टॉपिक जो बहुत कम सेकंड्स में सॉल्व होने वाले रहते हैं कुछ फॉर्मले पे डायरेक्ट डिपेंडेंट होते हैं उनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि अरे हमसे तो बन ही जाता है पता लगा यहाँ बन रहे वहाँ ना बने है ना तो ये नहीं होना चाहिए चलिए क्वेश्चन क्या है द वेरियंस ऑफ अ गिवन थ्री ट्वेंटी फोर अगर डेटा सेट का वितरण तीन सौ चौबीस है ठीक है तो वॉट विल बी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो मानक विचलन का मान ज्ञात कीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होके आते हैं ठीक तो अब आप क्या करेंगे आपको वितरण या विचरण वितरण विचरण प्रसरण प्रसार ये शब्द हिंदी वाले में देखने को मिलते हैं ओके तो मानक विचलन निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ठीक है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस का स्क्वायर मतलब वेरिएंस का स्क्वायर रूट आपको निकालना रहता है ठीक है तो वेरिएंस यहाँ पे कितना दिया है हमको थ्री ट्वेंटी फोर तो अगर अब आपको ये नहीं पता है कि 324 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है तो वहां आप निकालने बैठ जाओगे तो एटलीस्ट 20 तक का तो याद रखो ये किसका होता है 18 का ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। अब बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं आप जैसे ही क्वेश्चन में देखेंगे 324 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा 18 तो एटीन आंसर आ जाएगा एक से दो सेकेंड में आने वाला आंसर क्वेश्चन है ओके okay? स्कोरिंग है आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज थर्टीन मतलब यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन तेरा है तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा मतलब वॉट विल बी द पॉपुलेशन अब घुमाने के लिए थोड़ी सी फ्रेमिंग कर दी गई है जनसंख्या वन संक्या डाल दी गई है तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है बी फोकस ऑन द टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस मतलब स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन को इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे थर्टीन है तो थर्टीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन सिक्सटी नाइन और यही हो जाएगा आपका आंसर ठीक तो जब आपको मानक विचलन गिवन हो वेरियंस uh, निकालना हो तो आपको इस तरीके से करना है सिंपल उसका स्क्वायर निकाल लेना है और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट निकालना है गिवन टर्म का ओके आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बहुत ही छोटे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही छोटे मतलब वन लाइनर सॉल्व होने वाले और इम्पॉर्टेंट भी तो ऐसे क्वेश्चन अपने को ध्यान लेके चलना है ठीक है नाउ लास्ट क्वेश्चन इज देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि एक विचरण का माध्य 80 है ठीक है एक विचरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा मतलब वेरिएंस कोफिशियंट निकालना है या वेरिएंस मल्टीप्लायर भी इसे हम कहते हैं ठीक तो माध्य आपको पता है विचलन आपको पता है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि विचरण गुणांक या फिर वेरियंस कोफिशियंट वर्ड भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है ठीक है अगर वेरियंस कोफिशियंट आपको निकालना है तो मानक विचलन डिवाइडेड बाय माध्य इंटू हंड्रेड आपको करना है ठीक है तो मानक विचलन मानक विचलन डिवाइडेड बाय माध्य इंटू हंड्रेड से आपका क्या निकल जाएगा वेरियंस कोफिशियंट अगर आपको वेरियंस कोफिशियंट निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं यह है आपका मानक विचलन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे है मीन और इन टू हंड्रेड ठीक इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं नाउ कैलकुलेट कर लीजिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ठीक है एट वन सा एट एट टू सा सिक्सटीन और टू इन टू टेन कितना हो गया ट्वेंटी मतलब आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वेंटी ओके okay? तो आपने देखा यहाँ पे हमने कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप किए हैं ठीक अंदर अंडर स्टैटिस्टिक्स जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इधर टेबुलर और नॉन टेबुलर ठीक ग्रुप्ड नॉन ग्रुप्ड वाले जो आंकड़े इंटरवल में दिया नहीं तो नहीं दिया ये सारा हमने देख लिया ये सेवन कैटेगरीज हैं जो स्टैटिस्टिक्स में पूछी जाती हैं के साथ कैटेगरी साथ मैंने इस सिंगल वीडियो में आपको करा दी अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं अगर आपने इस वीडियो को कर लिया तो फिर आपको और कुछ नहीं करना है एज दिल सजेस्ट एक ही वीडियो काफी है ये लाइन ऐसे ही नहीं लिखी है यहाँ पे दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर एग्जाम ओके आई एम टेलिंग यू अगर आपने ये कंप्लीट मैथ्स की मेरी पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लिया पूरा वीडियोस देख लिए तो फिर आपका इतना सारा डेटा क्लियर हो जाएगा इतने सारे एन नंबर ऑफ़ टाइप कवर हो जाएंगे अगर आप उसके नोट्स बनाएंगे तो आपके पास देखेंगे इतना सारा मटेरियल हो जाएगा आपका खुद का तो होगा कहीं ना कहीं का उसके साइड में ये और इंक्लूड हो जाएगा तो फिर आप इजीली अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और डेफिनेटली सिलेक्शन लेके आएंगे ठीक है तो देखिए अब आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम